फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडिक्स। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस स्पीड टेस्ट नंबर 403 ऑफ एसएससी मेन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1। नाउ इट इज गिवन दैट 2^32 प्लस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय अ सर्टेन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो डेफिनेटली डिविजिबल बाय द सेम नंबर। यह ज्ञात है कि 2^32 प्लस 1 किसी निश्चित संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उस संख्या से विभाज्य होगी? देखो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है 2^32 प्लस 1 मान लेते हैं x से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, राइट। अब आपको बोला है कि ऐसा कौन सा नंबर है गिवन ऑप्शन में से ए बी सी डी में से जो x से पूरा पूरा डिवाइड होगा। इसका मतलब यह होगा कि जो नंबर ऑप्शन में इससे डिवाइड हो जाएंगे तो वो x से भी डिवाइड होंगे। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 2^32 प्लस 1 से देखेंगे कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। तो जो 2^32 प्लस 1 से डिवाइड हो रहा है और 2^32 x से डिवाइड हो, इसका मतलब वो जो ऑप्शन होगा वो x से भी डिवाइड होगा। तो देखो भाई, 2^32 प्लस 1 को पुट करो 0, 2^32 इज इक्वल टू -1। अब देखो जिस ऑप्शन में इसको रखने 0 आ जाए, ये 2^32, देखो यहां पर तो ये नहीं हो सकता, यहां पर नहीं होगा, यहां पर भी नहीं होगा। अगर मैं यहां पर 2^32 की पावर 3 कर लेता हूं प्लस 1 और इसकी जगह रखता हूं -1 की पावर 3 प्लस 1, तो ये जगह -1 प्लस 1 और 0। सो वी कैन से दैट दिस ऑप्शन इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2^32 प्लस 1, हेंस एक्स विल ऑलवेज डिवाइड दिस ऑल्सो। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन। ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3,584 किलोमीटर इन 2 days 8 hours। इफ इट कवर्स 1,440 किलोमीटर ऑन द फर्स्ट डे एंड 1,608 किलोमीटर ऑन द सेकंड डे, बाय हाउ मच डज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी डिफर फ्रॉम दैट ऑफ फॉर द एंटायर जर्नी। एक रेलगाड़ी 2 दिन 8 घंटे में 3,584 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वे 1440 किलोमीटर प्रथम दिन एवं 1608 किलोमीटर द्वितीय दिन में पूरी करती है तो शेष यात्रा पूरी करने में औसत गति और पूरी यात्रा करने में औसत गति में अंतर ज्ञात। तो देखो यहां पर हमको पूछा है बाय हाउ मच डज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी। सो रिमेनिंग पार्ट माइनस टोटल पार्ट, वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ रिमेनिंग पार्ट एंड एवरेज ऑफ टोटल पार्ट, ये हमें कैलकुलेट करना है। नाउ रिमेनिंग पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल पार्ट के हम क्या कर सकते हैं, देखो 3,584 अपॉन ये टोटल डिस्टेंस कवर किया और कितना 2 days and 8 hours, तो मैं इसको कर सकता हूं 48 + 8 = 56 hours। तो 7 5 जा 7 1 जा 7 2 जा 7 8 जा और 8 से 64, सो टोटल पार्ट की एवरेज स्पीड आ गई 64। अब हम रिमेनिंग पार्ट देखते हैं, देखो 1440 और 1608 इनका सम कितना हो गया 3048, सो रिमेनिंग डिस्टेंस 3,584 - 3,048 6, 3, 5, 536 डिवाइडेड बाय 8 hours, सो 8, 6 और 8, 7 = 67। इसका मतलब दिस इज 3 किलोमीटर पर आवर मोर, ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 3:2 है तथा दूसरे मिश्रण में यह अनुपात 4:5 है। द्वितीय मिश्रण कितनी मात्रा प्रथम मिश्रण के 3 लीटर के साथ मिलाई जाए कि उसमें शराब और पानी का अनुपात बराबर हो जाए। अ मिक्सचर कंटेन वाइन एंड वाटर इन द रेशियो 3:2, अनदर मिक्सचर कंटेन देम इन द रेशियो 4:5। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्स विद 3 लीटर ऑफ द फॉर्मर सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर मे कंटेन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाइन एंड वाटर। अच्छा, तो देखो 3 लीटर पहला वाला पार्ट मान लेते हैं, सेकंड पार्ट x लीटर है और 3 लीटर में देखो वाइन, अब यहां पे समझना इस वाले में वाइन और वाटर का रेशियो कितना है। पहले मैं वाइन लिख रहा हूं बाद में वाटर लिख रहा हूं, वाइन वाटर का रेशियो 3:2 है और सेकंड में 4:5 है। तो अब हम क्या करेंगे, हम वाइन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3/5 एंड दिस इज 4/9 एंड टोटल रेशियो 1:1 और 1/2। सो वी हैव टू कैलकुलेट x, सो वी कैन राइट दिस x अपॉन 3 इज इक्वल x के आगे 3/5 - 1/2, इधर 3 के आगे 1/2 - 4/9, दिस इज 10 LCM 6 - 5, इधर 18 LCM 9 - 8, सो दिस इज 18/10, सो x इज इक्वल 27/5 और 5 whole 2/5 liter, आंसर इज ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 था, कुछ नए लड़के तथा लड़कियां प्रवेश लेते जिससे जिनका अनुपात 5:7 है। इस प्रकार विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों की संख्या 1200 हो गई व उनका अनुपात 7:5 हो गया। नए प्रवेश से पहले लड़के व लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो देखो भाई, पहली बात
जो हमारे पास द रेशियो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल वॉज 5:3, सम न्यू बॉयज एंड गर्ल्स वर एडमिटेड टू द इन द रेशियो 5:7, एट दिस द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल बिकम 1200 एंड द रेशियो बॉयज टू गर्ल्स चेंज टू 7:5, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल बिफोर न्यू एडमिशन वॉज. तो देखो पहली बात 5:3 था तो इनका सम हो गया 8, तो हमारा आंसर 8 का मल्टीपल होना चाहिए. तो देखो ये 8 से नहीं जा रहा, ये 8 से जा रहा है और ये 8 से नहीं जाएगा और ये 8 से जाएगा. तो दो ऑप्शन पॉसिबल है, बी और डी. अब हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं हमारा आंसर बी है. तो अगर 720 हमारा आंसर होता तो 5:3 में इसको ब्रेक करो, 5/9 8 × 720 450 बॉयज हो जाते हैं और 3:8 × 720 करते हैं 270 गर्ल्स हो जाती है. अब यहां पर जो हम अगर 720 स्टूडेंट के बाद टोटल स्टूडेंट 1200 हो गए हैं तो इनका डिफरेंस कितना होगा, न्यू स्टूडेंट 480 और जिनका रेशियो 5:7, तो यहां पर बॉयज हो जाएंगे 5/12 और 480 200 और यहां गर्ल्स हो जाएंगे 7/12 और 480 280. अब पहले बॉयज थे 450, बाद में 200 और हो गए तो उनका सम कितना हो गया 650 × 270 और 280 051 और 550. तो इनका जो रेशियो है आपका, देखो 7:5 का रेशियो नहीं आ रहा है तो इसका ना ये आंसर तो नहीं हो सकता. आंसर हमारा क्या बचा, डी ऑप्शन. अब चाहो तो आप इसको भी चेक कर लो पूरा प्रोसेस लगा के, अदरवाइज आप पूरा कैलकुलेशन करोगे उससे टाइम वेस्ट होगा. ये इंपॉर्टेंट होता है कैसे हम ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 700 डिवाइडेड अमंग ए बी सी सो दैट ए रिसीव हाफ एज मच एज बी एंड बी हाफ एज मच एज सी, देन सी शेयर. रुपीज 700 को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया कि ए को बी से आधा और बी को सी से आधा भाग प्राप्त होता है, सी का भाग क्या है. तो देखो गिवन दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 700 और ये भी गिवन है ए बी का आधा है बी सी का आधा है. तो अगर सी का हम ए को एक्स मान लेते हैं तो बी होगा 2x और सी होगा 4x, इन सबका सम हो गया 700. सो एक्स प्लस 2x प्लस 4x इज इक्वल 700, तो x कितना हो गया 100. हमें सी का भाग पूछा है, दिस इज 400, आंसर इज सी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो वी हैव पी बाई क्यू इज इक्वल आर बाई एस इज इक्वल टी बाई यू इज इक्वल रूट 5, देन वी हैव टू कैलकुलेट 3p² प्लस 4r² प्लस 5t² अपॉन 3q² प्लस 4s² प्लस 5u². इस तरह क्वेश्चन करने का बहुत सिंपल सा रूल होता है. यहां पर p अपॉन q है और साथ में कोफिशियंट इक्वल है, इधर p अपॉन q है, इधर r अपॉन s है साथ में कोफिशियंट इक्वल है 4, इधर t अपॉन u है, देखो t अपॉन u, r अपॉन s और p अपॉन q, इनके कोफिशियंट भी इक्वल है. इसका मतलब इसमें वैल्यू जो होगी आप सिंपली p की जगह रूट 5 और q की जगह 1 पुट कर सकते हो, या क्योंकि कोफिशियंट सेम है तो इसका आंसर होगा p² / q², कोई भी एक वैल्यू हो सकती है और p बाई q की वैल्यू कितनी है, रूट 5, तो ये हो गया रूट 5 का स्क्वायर और 5, आंसर इज डी ऑप्शन. ओके सो आंसर हो गया 5. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वी हैव 1 − x4 / 1 + x / 1 + x² / x (1 − x) = a, देन द वैल्यू ऑफ a. देखो पहली बात 1 − x4 लिखूंगा मैं x² / 1 + x और इसको x / 1 + x² कर दो (1 − x) = 1 − x, दिस इज व्हाट a. अब देखो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी अपॉन 1 + x (x) / 1 + x² (1 − x) = a. अब देखो 1 + x² कैंसिल हो गया, ये x से x कैंसिल हुआ और यहां पर लिखेंगे 1 − x और 1 + x इस 1 − x² को अपॉन में 1 + x ऑलरेडी हमारे पास है, 1 − x भी है, तो ये पूरा कट गया, आंसर क्या आ गया 1, डी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी को यह ज्ञात होता है कि वे एक मिनट में टेलीफोन के 41 खंबे गिन सकता है, यदि प्रत्येक टेलीफोन खंबे के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो ट्रेन की गति ज्ञात करें. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. अ मैन इन अ ट्रेन नोटिस दैट ही कैन काउंट 41 टेलीफोन पोल इन 1 मिनट, इफ दे आर नोन टू बी 50 मीटर्स अपार्ट देन एट वॉट स्पीड इज द ट्रेन ट्रेवलिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो खंबे अगर ऐसे लगे हो तो ये एक मिनट में कितने खंबे गिनता है, 41, तो जो उनके बीच की डिस्टेंस होगी वो 40 पोल्स की होगी और हर पोल के बीच में दूरी 40 मीटर है, तो दिस इज 2000 मीटर. इसका मतलब
ट्रेन कवर्स 2000 मीटर इन वन मिनट. सो डिस्टेंस होगी आपके 2000 और टाइम कितना हो गया 60 सेकेंड. तो अब हम पहले निकालते हैं इसकी. अच्छा एक काम करते हैं, हमें किलोमीटर पर आर पूछा तो इसको आप मीटर में किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो. तो डिस्टेंस होगी 2 किलोमीटर और टाइम हो गया 1/60 आवर्स. सो स्पीड ऑफ ट्रेन डिस्टेंस अपॉन टाइम 2/1/60 और 120 किलोमीटर पर आवर. आंसर इज डी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. एक मीनार की ऊंचाई h है. धरातल के किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है. मीनार की ओर h मीटर दूरी चलने पर उन्नयन कोण बीटा हो जाता है. तो cot अल्फा माइनस cot बीटा का मान ज्ञात करें. द हाइट ऑफ टावर इज h एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्लेन इज अल्फा. ऑन मूविंग h मीटर डिस्टेंस टुवर्ड द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम बीटा. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot अल्फा एंड cot बीटा. देखो यार आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल याद रखना है. ये मीनार है और ये एंगल अल्फा है. अब हम बोला है कि हम इसमें h डिस्टेंस आगे चले, ये एंगल हो गया बीटा. तो यहां रूल होता है अगर ये d होता, वैसे आप इसको d पढ़ते ना, तो d इज इक्वल h cot अल्फा माइनस cot बीटा. ठीक है. और आपको यहां पर d के लिए कितनी दे रखी है, h दे रखी है. h इज इक्वल h cot अल्फा माइनस cot बीटा. और ये एच कट गया तो यहां से क्या आ गया, cot अल्फा माइनस cot बीटा इज इक्वल 1. आंसर हो गया ए ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h. एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज अल्फा एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज बीटा. देन द हाइट ऑफ द टावर. एक ऊर्ध्वाधर मीनार क्षैतिज स्तर सतह पर खड़ी है और उसके ऊपर एक झंडा जिसकी ऊंचाई h लगा हुआ है. समतल के किसी बिंदु से झंडे के आधार व शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा है. मीनार की ऊंचाई नाउ लेट से दिस इज फ्लैग एंड यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे दिए हुए हैं. इस फ्लैग की हाइट h बोली हुई है और यह बोला हुआ है एंगल एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम ऑफ द फ्लैग. बॉटम का एंगल अल्फा है और टॉप का एंगल बीटा है. एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस हाइट. लेट से दिस हाइट इज एक्स और ये डिस्टेंस मान लो आप वाई. तो देखो हमें एक्स निकालना है, एच गिवन है, वाई हमने अज्यूम किया तो हम वाई को सब्स्टिट्यूट करेंगे. नाउ नेम कर देते हैं ए बी सी एंड डी. नाउ ट्राइंगल ए बी सी टेन एल्फा इज इक्वल एक्स अपॉन वाई. तो यहां से वाई की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स अपॉन टेन एल्फा. और अगर हम लेते हैं ट्राइंगल ए बी डी, यहां से आएगा टेन बीटा इज इक्वल एच प्लस एक्स अपॉन वाई. तो यहां से वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच प्लस एक्स अपॉन टेन बीटा. तो वाई को सब्स्टिट्यूट कर दो, हमें एक्स निकालना है. तो एक्स अपॉन टेन अल्फा इज इक्वल एच प्लस एक्स अपॉन टेन बीटा. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहां से क्या आ जाएगा, एक्स टेन बीटा इज इक्वल एच टेन अल्फा प्लस एक्स टेन अल्फा. अब यहां से आप इस एक्स टेन अल्फा को उधर ले आओ, एक्स टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल एच टेन अल्फा. तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा. तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन. ओके तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लैंग्वेज बेस्ड था, इसको आपको इसे करना चाहिए था. एक बिल का आयतन 740 सेंटीमीटर क्यूब है, पाइप की लंबाई 14 सेंटीमीटर एवं बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, पाइप की मोटाई क्या होगी. द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप इज 748 सेंटीमीटर क्यूब, द लेंथ ऑफ द पाइप इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स एक्सटर्नल रेडियस इज 9 सेंटीमीटर इज थिकनेस. हमारे पास इस तरह से एक पाइप है, हमें आउटर रेडियस दे रखी है 9, हाइट दे रखी है 14. मान लेते हैं इसकी इनर रेडियस R1 है, तो हमें डिफरेंस चाहिए मतलब 9 माइनस R1 का. तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, पाई 9 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू 14. और वॉल्यूम कितना है, 748 पाई 22/7 और ये हो गया कितना, 81 माइनस R1 स्क्वायर इंटू 14. नाउ 7 टू जा 2 से 374 इज इक्वल 22 नीचे कर लो, 81 माइनस R1 स्क्वायर. तो देखो ये 11 से 2 टाइम 11 3 जा 11 4 जा से हो गया 17. तो R1 स्क्वायर कितना हो गया 64, R1 हो गया 8. सो इनर राइट रेडियस 8, आउटर 9, तो थिकनेस कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा देखो सीरीज का क्वेश्चन है. देखो सीरीज एक बार 2012 में आई थी, तो हमने एक दो क्वेश्चन दिए हैं इसके, आने को कुछ भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है. सीरीज का क्वेश्चन 2012 में एक बार आया था.
पहली बात हम डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं, यहां डिफरेंस 19 है, यहां पर डिफरेंस कितना है 37, और ये डिफरेंस कितना है 61, ये डिफरेंस कितना है 91, और ये डिफरेंस कितना है 127. अच्छा देखो, अब फिर डिफरेंस देखो, 19 और 37 का डिफरेंस होता है 18, 37 61 का डिफरेंस 24, 61 91 का 30, और ये हो गया कितना 36. तो देखो अब ये दिख रहा है 66 का डिफरेंस है, तो अगला भी 6 का होगा, मतलब नेक्स्ट डिफरेंस 42 होगा, तो 42 ऐड कर लो इसमें 9, 169, तो 342 में 169 जो ऐड कर दो 511, आंसर इज बी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डज नॉट फिट इन टू द सीरीज. नाउ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, 14, 19, 29, 40, 44, 51, 59 एंड 82, कुछ भी पॉसिबल है, आपको समझना होगा. देखो अब यहां से 5, इधर से 10, यहां से 11, यहां से 4, तो इससे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब यहां तो कुछ आगे पीछे हो रहा है. देखो ये कितना प्लस है, 15 का प्लस है, और ये कितना प्लस है, 15 प्लस है, ये कितना 15, तो यहां तो हमें समझ में आ गया कि ये सही चल रहा है. इसका मतलब 14, 29, 44, 59 इज करेक्ट, तो 44 नहीं हो सकता, 51. अच्छा अब बाकी बचे, अच्छा 73 तो उसमें है ही नहीं, ठीक है ये ऑप्शन नहीं हो सकता. नेक्स्ट देखते हैं, अब 19 प्लस 40 प्लस 21, 40 प्लस 51 प्लस 11, और 51 प्लस 82 31. अगर यहां पर ये 61 होता तो यहां पर ये 21 प्लस होता और ये भी 21 प्लस हो जाता, इसका मतलब हमारा 51 रॉन्ग है, आंसर इज सी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खिलौने की फैक्ट्री कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स खिलौने बनाती है, यदि प्रत्येक बॉक्स में 115 खिलौने रखे जाते हैं तो 13 बॉक्स पूरी तरह से भर नहीं पाते, यदि प्रत्येक बॉक्स में 65 खिलौने रखे जाते हैं तो 22 बॉक्स में रखने के लिए काफी नहीं होते, अंत में एन बॉक्स में एन खिलौने रखे जाते हैं तो कोई खिलौना शेष नहीं बचता, खिलौने की कुल संख्या ज्ञात करो. बहुत बढ़िया लॉजिक है, अ टॉय फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड अ बैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, इफ द टॉयज वर पैक्ड इन बॉक्सेस ऑफ 115 ईच 13 बॉक्स वुड नॉट बी फिल्ड कंप्लीटली, इफ द टॉयज वर पैक्ड इन बॉक्सेस 65 ईच 22 बॉक्स वुड नॉट बी इनफ टू प्लेस ऑल ऑफ देम, कोइंसिडेंटली इफ इन द एंड टॉयज वर पैक्ड इन एन बॉक्सेस कंटेनिंग एन टॉयज ईच विदाउट एनी रिमाइंडर द टोटल नंबर ऑफ टॉयज वॉज. बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पहली बार में जो अगर हम 115 रखते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करो 13 से, तो ये हो जाएगा 1495, इसका मतलब 13 बॉक्स वुड नॉट बी फिल्ड कंप्लीट, इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा 1495 से छोटा होगा, सारे ऑप्शन पॉसिबल है. अच्छा अब हम रखते हैं 65 इंटू 22 करो, ये आएगा 1430, इसका मतलब हमारा आंसर 1430 ज्यादा होगा, इसका मतलब विद दिस कंडीशन ए ऑप्शन कैंसिल हो गया. और फाइनल कंडीशन जो है कि एन बॉक्स एन टॉयज एन स्क्वायर, तो देखो कौन सा नंबर इसमें स्क्वायर है, सो देखो 1434, 144 और 1454, इसमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर केवल ये है, और ये किसका स्क्वायर होता है 144 जो हमारा वैल्यू है, ये 38 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब 38 बॉक्सेस है और 38 ही टॉयज है हर बॉक्स में, राइट. सो आंसर इज सी ऑप्शन, आपको बस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एन स्क्वायर चेक करना था, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी क्रम से 20,000 तथा 35,000 निवेश करके व्यापार शुरू करते हैं, वे अपनी निवेश राशि के अनुपात में लाभ को वितरित करने के लिए सहमत होते हैं, सी शर्त पर व्यापार शामिल होता है कि ए बी तथा सी लाभ को बराबर बांटेंगे तथा वह 2,20,000 किस्त के रूप में जमा करता है जो कि ए तथा बी आपस में वितरित करेंगे, इस राशि का ए व बी में किस अनुपात में बांटा जाएगा. ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद रूपीज 20,000 एंड 35,000 रेस्पेक्टिव, दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, सी ज्वाइन द पार्टनरशिप विद द कंडीशन दैट एबीसी विल शेयर प्रॉफिट इक्वली एंड पेज रूपीज 2,20,000 एज ए प्रीमियम फॉर दिस टू बी शेयर बिटवीन ए एंड बी, दिस इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो. बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें गिवन है कि ए और बी ने 20,000 और बी ने 35,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, तो दे विल डिवाइड देयर प्रॉफिट इन द रेशियो 20:4:7, लेकिन सी भी उस बिजनेस में आ गया और सी ने क्या बोला, देखो पार्ट ऑफ ए फ्रॉम द बिजनेस वुड बी प्रॉफिट 4:11 एंड पार्ट ऑफ बी वुड बी 7:11. अब हुआ क्या कि सी भी बिजनेस में आ गया और उसने पेमेंट किया 2,20,000 और इस कारण से दे विल शेयर देयर प्रॉफिट इक्वली. नाउ पहले ए को मिलना था इतना पार्ट, लेकिन अब ए और बी सी में वो प्रॉफिट डिवाइड हुआ 1/3, 1/3, 1/3, राइट. सो ए को कितना
देना पड़ा 1/3, उसको मिलना था इतना, मिला इतना, तो उसका जो सेक्रीफाइस हुआ 33, 1/33, मतलब इसको इतना नहीं मिला, और इसको 1/3 माइनस कर दो तो 33, 10/33, इसका मतलब जो पैसा वो सी देगा वो इन दोनों के सेक्रीफाइस के रेशियो में डिवाइड होगा, मतलब 1/33:10/33 इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो आंसर हो गया 1:10. दे विल डिवाइड दिस मनी, दैट मनी प्रोवाइडेड बाय सी इन द रेशियो 1:10. राइट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, लॉजिकल था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मैन स्पेंड्स एन एवरेज ऑफ 1694.70 पर मंथ फॉर द फर्स्ट 7 मंथ एंड रुपीज 1810.50 पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ. हिज मंथली सैलरी इफ ही सेव्स रुपीज 3084.60 ड्यूरिंग द होल ईयर. देखो मंथली सैलरी पूछिए और सेविंग दे रखी है. देखो एक आदमी को प्रथम 7 माह का औसत खर्च इतना तथा अगले 5 माह के लिए औसत खर्च इतना. यदि वे अपने वेतन में कुल 3084.60 एक वर्ष में बचाता है तो उसी प्रति माह का वेतन ज्ञात कीजिए. देखो ये वैल्यू थोड़ी टफ दे रखी है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत आसान है. 7 महीने का औसत खर्च, 5 महीने का औसत खर्च, कंबाइंड पूरे साल का औसत खर्च निकालेंगे, प्लस ये जो वैल्यू रखी है बचत है, इसको डिवाइड बाई 12 करके औसत बचत और उनको जोड़ देंगे. तो देखो एक शॉर्टकट समझो, 7 मंथ का एवरेज जो उसका खर्च है 1694.7 प्लस 5 मंथ का एवरेज खर्च है 1810.5. मान लेते हैं 12 मंथ का जो औसत खर्च है इनके बीच की वैल्यू मान लो, कोई मान लेते हैं 1750. अब ये कितना कम है इससे, ये कम है 35.5 और इंटू 7 वैल्यू माइनस में, और ये वैल्यू कितनी ज्यादा है 60.5 इंटू 5, तो मल्टीप्लाई करो 7 5 35 3 और 7 5 35 38 3 एंड ओके दिस इज 55.3. 7 3 = 21 2 7 5 = 35 + 2 = 37 7 387 माइनस का, और ये कितना हो जाएगा 5 2 30 प्लस का, इनका डिफरेंस कितना आ गया 302.5. डिफरेंस करो 6 4 8 84.6 माइनस का. तो अब आप इतना सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अब हम इसको डिवाइड बाय 12 करेंगे टोटल सम से, तो कितना हो जाएगा 7.05 माइनस का. तो अब आपको ये माइनस करना होगा 7.05, तो दिस इज 5 और दिस इज 924 1742.95. दिस इज व्हाट हिज एक्सपेंडिचर मंथली एवरेज. एंड नाउ टोटल सेविंग जो इसकी है वो है 3084.6 डिवाइडेड बाय 12 कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 3084.6 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 2570.5, ये होगा 05. अच्छा अब इसको आप ऐड देखो, ये तो हो गया एवरेज एक्सपेंडिचर, ये हो गया एवरेज सेविंग, तो इनको ऐड करो 2570.05, तो ये तो हो जाएगा 10013, ये डेसिमल इधर आएगा, तो ये हो गया 1742.95 और 257.05, तो 0010 2000. सो हिज मंथली सेविंग इज, मंथली सैलरी इज 2000. अब जरा एक बात समझना जरा, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं. देखो 7 महीने का जो एवरेज है उस 169, अब इसको शॉर्टकट क्या था, कैलकुलेशन बहुत टफ थी, वैसे भी आप करोगे तो भी बड़ा जाएगा क्वेश्चन, अगर आप नॉर्मल भी करते आप ऐसे करते 7 × 1694.7 प्लस 5 × 1810.5 प्लस टोटल सेविंग 3084.60 और डिवाइड बाय 12. अब इसको आपको ये भी कर सकते थे आप. अब इसका शॉर्टकट देखो क्या हो सकता है, ये हमारे पास क्या है 3084, इसको अगर 12 से डिवाइड करूंगा तो करीब 250 के आसपास आएगा, इधर 1600-1800, मतलब अगर मैं एवरेज लूं तो 1700 के आसपास आएगा, और 1700 और 250 कितना हो जाएगा. तो अब इस क्वेश्चन करने का शॉर्टकट ये हो सकता था कि देखो भाई हम पूरा सॉल्व ना करते, अप्रोक्सीमेट हमें पता लग रहा है कि 2000 के आसपास, और ये ऑप्शन बहुत छोटे हैं, ये बहुत ज्यादा है, तो केवल आंसर क्या होगा डी ऑप्शन. तो आप पूरा कैलकुलेशन करने से बचो, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, ये वो पहला शॉर्टकट था क्योंकि कैलकुलेशन टफ थी इसलिए 2-3 जगह गलती हुई, अदरवाइज तरीका ये आसान है. ओके, बास्केटबॉल टीम ए के सदस्यों की औसत ऊंचाई 5'11" है तथा टीम बी के सदस्यों की औसत ऊंचाई 6'2" है. टीम ए में 20 सदस्य हैं और टीम बी में 18 सदस्य हैं, सभी सदस्यों की औसत ऊंचाई क्या होगी. द एवरेज हाइट ऑफ अ बास्केटबॉल टीम ए इज 5'11", देन दैट ऑफ बी इज 6'2", देर आर 20 प्लेयर्स इन टीम ए एंड 18 प्लेयर्स इन टीम बी. द ओवरऑल
हाई टेस्ट, देखो कैसे करते हैं, ए और बी दो टीम थी, इसमें कितने मेंबर्स थे 20, इसमें 18 मेंबर, और इसकी जो हाइट है वो है 5 feet 11 inch, सबको इंच में कन्वर्ट कर लो क्योंकि हमारा आंसर भी इंच में दिया हुआ है, तो दिस इज 71 inch, और 18 प्लेयर जिसमें थे उसकी हाइट थी 6 feet, तो 74 inch। अब हम करते क्या है, मान लेते कंबाइंड 38% का जो एवरेज है वो है, इनके बीच मान लो 72, तो ये कितना ज्यादा है, ये कितना कम है, -1, और ये कितना ज्यादा है, +2, और यहां पे मेंबर है 20, यहां पर मेंबर है 18, तो ये हो जाएगा -20 + 36, ये कितना हो जाएगा +16, टोटल डिफरेंस अपॉन 38, तो दिस इज 4/19 और 0.42, ये आपको ऐड करना होगा, तो हमारा आंसर हो गया 72.42। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है जो मैंने अपनी यूट्यूब की वीडियो पर भी डाला हुआ, आप देखें वहां पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मैन मैरी ओनली वन वुमन एंड वाइस वर्सा द परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ एडल्ट हु आर मैरिड इज। एक शहर की व्यस्त जनसंख्या में 45% पुरुष एवं 25% महिलाएं विवाहित हैं, ये मानते हुए कि एक पुरुष केवल एक महिला से विवाहित है तथा एक महिला केवल एक पुरुष से विवाहित है, तो कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत व्यस्क विवाहित है। मान लेते हैं मेल एम है, फीमेल एफ है, तो मेल का 45% मैरिड है और फीमेल का 25% मैरिड है, इसका मतलब दोनों बराबर होंगे क्योंकि एक मैन एक फीमेल से मैरिड है, तो वी कैन से दैट मेल अपॉन फीमेल इज इक्वल 5/9, इसका मतलब अगर 5 मेल हैं तो फीमेल 9 है। अच्छा, तो देखो क्वेश्चन का तरीका, मान लो कि मेल है 5 और फीमेल है 9, तो मैरिड परसेंटेज मेल में 5 45%, फीमेल में 9 25% अपॉन में क्या करेंगे हम, टोटल 14 × 100। ठीक है, अब ये 100 तो कैंसिल कर दो, इसका मतलब अब ये हो गया 5 × 45 225 + 225/14 और 450/14, तो 14 × 3 = 32 होगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगरिसन एक दुर्ग को 72 सिपाहियों के लिए 54 दिनों का खाना प्रदान किया जाता है, तो ज्ञात कीजिए कि 90 सिपाहियों के लिए उतना राशन कितने दिन चलेगा यदि व्यक्तिगत राशन 10% घटा दिया। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अ गरिसन इज प्रोवाइडेड विद राशन फॉर 72 सोल्जर टू लास्ट फॉर 54 डेज। नाउ 72 सोल्जर फूड लास्ट फॉर 54 डेज, लेट से ईच पर्सन ईच सोल्जर इज ईटिंग 100 ग्राम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या कह सकते हैं, एफिशिएंसी खाने की। अच्छा, अब क्या हुआ, फॉर हाउ लॉन्ग वुड द सेम अमाउंट ऑफ, माना 90 सोल्जर है, माना एक दिन तक चलेगा और खाना कितना 90 ग्राम कर दिया, मतलब 10% उनको कम भी कर दिया, तो देखो m1d1e1 = m2d2e2, बस एफिशिएंसी होगी, मतलब कितना खाना खा रहे हैं वो, 72 × 54 × 100 = 90 × x × 90, राइट। सो देखो ये दो जीरो कैंसिल कर दो, 9 × 6 × 9 = 8 48 डेज, आंसर इज ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू अ सर्टन जॉब इन 25 डेज विच बी अलोन कैन डू इन 20 डेज, ए स्टार्टेड द वर्क एंड वॉज ज्वाइन बाई बी आफ्टर 10 डेज, द नंबर ऑफ डेज टेकन इन कंप्लीटिंग वर्क वेयर। एक किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि ए कैन डू अ वर्क इन 25, जबकि बी उसी काम को 20 दिन में करता है, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 100, 25 4 जा एंड 25 जा, ए कार्य शुरू करता है तो 10 दिन बाद बी उसमें शामिल हो जाता है, इसका मतलब 10 दिन तक ए ने काम किया, कितना यूनिट हो गई, 40 यूनिट 10 दिन में कंप्लीट हो गई, अब बचे कितने 60 यूनिट, और अब दोनों साथ काम कर रहे हैं तो डिवाइड बाई 9, तो ये हो जाएगा 20/3, तो पूछा गया पूर्ण कार्य, मतलब 10 डेज ये और 20/3, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसको लिखोगे आप 6 होल 2/3 + 10, तो आंसर क्या होगा, 16 होल 2/3, सी ऑप्शन। नौ, एक व्यक्ति 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में पूरी करता है, यात्रा का वह एक भाग वह पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, दूसरा भाग साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पूरा करता है, पैदल चली गई दूरी ज्ञात करें। अ मैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स, ही ट्रेवल पार्शली ऑन फुट एट 4 किलोमीटर पर आर एंड पार्शली ऑन बाइसिकल एट 9 किलोमीटर पर आर, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट। देखो यार 61 का मान लेते हैं साइकिल से वो और पैदल वो चलता है x पार्ट, तो रिमेनिंग 61 - x वो चलेगा बाइसिकल से, और साइकिल की स्पीड है 4 और बाइसिकल की स्पीड है 9, टोटल टाइम लगता है इसको 4 9 आवर्स। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, हम यहां पर एक चीज नोटिस करेंगे, अगर
हम कोई भी एक ऑप्शन लेते हैं, माना 16 लिया हमने, तो जब मैं 16 यहां पुट करूंगा तो 16 बाई 4 कितना हो जाएगा, 4 प्लस, और ये हो जाएगा 45 बाई 9, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, सम हो गया 9, यस दिस इज द आंसर। तो इसमें आपको इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप सीधे ऑप्शन पुट करो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अर्धगोलों की धारिता 6.4 लीटर तथा 21.6 लीटर, उनके आंतरिक वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। द रेशियो द कैपेसिटी ऑफ टू हेमिस्फेरिकल बाउल्स आर 6.4 लीटर एंड 21.6 लीटर। ना ये वॉल्यूम दिए लीटर में, तो हम सिंपली क्या करेंगे, वॉल्यूम का रेशियो होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर वन क्यूब, और रेशियो कर लेते हैं, देखो ये हो गया 4/3 पाई आर टू क्यूब। अब वॉल्यूम क्योंकि देखो लीटर से फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको आप डायरेक्ट ले सकते हो ऐसे, ये कैंसिल कर दो, ये 4/3 पाई कट गया, ये हो गया 4 का क्यूब, ये हो गया 6 का क्यूब, तो आर वन अपॉन आर टू हो जाएगा 2/3, राइट। अच्छा अब हमें पूछा है द रेशियो ऑफ द इंटरनल कर्व सरफेस, और इंटरनल कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है 2π r1² एंड 2π r2², तो 2π कट गया, तो हमारा जो सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा वो होगा r1³, मतलब 4/9, आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार घनाप की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है और ऊंचाई की 5 गुना है, उसका आयतन 14400 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब हमें लेंथ ब्रेथ हाइट निकालनी पड़ेगी। रिलेशन दे रखा है कुछ, ठीक है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ये बोला हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पैरेलल पाइप इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ एंड 5 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, लेंथ जो है 3 टाइम्स ब्रेथ है और 5 टाइम्स हाइट है, इसका मतलब हम लेंथ को मान लेते हैं 15, तो उस हिसाब से 15x मान लेते हैं, तो उस हिसाब से ब्रेथ कितनी हो जाएगी 5x और हाइट कितनी हो जाएगी 3x। नाउ वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट जो कि दिया है 14400, लेंथ है 15x, ब्रेथ है 5x और हाइट है 3x इज इक्वल 14400, सो एक्स क्यूब इज इक्वल 14400 अपॉन 15 × 5 × 3। नाउ देखो कैसे करेंगे इसको, 3 से यहां से 9 कर लो, 9 से 1600 हो जाएगा, और 25 से हो जाएगा 16 × 4, तो ये हो गया 4³, तो x की वैल्यू होगी 4, और अगर x की वैल्यू 4 होगी तो लेंथ हो गई 60, ब्रेथ हो गई एंड हाइट हो गई 12। अब हमें पूछा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL हमें ये पूछा हुआ है। नाउ 2 LB 1200, BH 240 प्लस एंड HL 720, इनको ऐड कर लो, ये हो गया 0, 6, 1 and 2, 2160, इसको डबल कर दो तो ये हो जाएगा 4320, आंसर इज सी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, माना ए तथा बी दो ठोस गोले इस प्रकार हैं कि बी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ए के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से 300% ज्यादा है, ए का आयतन बी के आयतन से के % कम है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखो एट ए एंड बी बी टू सॉलिड स्फीयर्स सच दैट द सरफेस एरिया ऑफ बी इज 300% हायर देन द सरफेस एरिया ऑफ ए, द वॉल्यूम ऑफ ए इज फाउंड टू बी के % लोअर देन द वॉल्यूम ऑफ बी। यहां गिवन है सरफेस एरिया ऑफ ए, सरफेस एरिया ऑफ ए इज बी इज 300% हायर देन द सर्फेस एरिया ऑफ ए, मीन्स सर्फेस एरिया ऑफ बी इज इक्वल 4 times ऑफ एस, देखो इसका मतलब 300% हायर मतलब उसका 4 गुना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। तो सर्फेस एरिया ऑफ बी, ये हमारे सॉलिड स्फीयर है, 4/3 पाई मान लेते हैं इसकी रेडियस आर बी है सर्फेस एरिया, तो 4π r² इज इक्वल 4 × 4π r² 4π कैंसिल हो गया, तो आर बी की वैल्यू हो गई 2 r a, ये हमारी पहली कंडीशन आ गई। नाउ इट इज गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ ए इज फाउंड टू बी के % नाउ वॉल्यूम ऑफ ए 4/3 πr³ एंड वॉल्यूम ऑफ बी इज 4/3 πr³, और आर बी क्यूब हम क्या करते हैं, हमें ए इज, अच्छा हमें ए इज फाउंड टू बी के % लोअर देन द वॉल्यूम ऑफ बी, सो वॉल्यूम ऑफ ए इज के % 100 माइनस के अपॉन 100 ऑफ बी, ये करना है हमको, तो वैल्यू पुट कर दो 4/3 πr³ इज इक्वल 100 माइनस के अपॉन 100 वॉल्यूम ऑफ बी 4/3 πr³, ये कैंसिल हो गया, अब आर बी की जगह आप रख दो 2, तो हो जाएगा आर ए क्यूब इज इक्वल 100 माइनस के अपॉन 100
इंटू 8 RA³, ये कैंसिल हो गया. सो यू गेट 12.5 इज इक्वल 100 माइनस के, तो के कितना हो गया 87.5. आंसर इज डी ऑप्शन, राइट. अच्छा, अब यहां पर एक और बात हम कर सकते थे, इसको एक्सटेंड कर सकते थे. यहां पर आरबी को आप 2 RA रखोगे तो हो जाएगा 8 4/3 पाई RA³ हो जाता, जो कि होता VB इज इक्वल 8 VA. तो हम कह सकते थे VA इज इक्वल VA अपॉन VB इज इक्वल 1/8, राइट. इसका मतलब अगर ये 8 है तो ये 1 है, मतलब कितना लेस है, 7 लेस है, 7/8 लेस है, मतलब 87.5. ऐसे भी कर सकते थे आप, राइट. तो कई तरीके हो सकते हैं, आपको जल्दी जल्दी आंसर बनाना है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्ताकार शीट से 40% क्षेत्रफल वाला त्रिज्याखंड काट लिया जाता है. यदि बचे हुए भाग को शंकुआकार आकृति बनाया जाता है तो उसकी त्रिज्या तथा ऊंचाई में अनुपात ज्ञात कीजिए. फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ पेपर, माना ऐसे हमारे पास एक शीट है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, अ सेक्टर ऑफ एरिया 40% इज रिमूव. देखो ऐसा कुछ है, ये एरिया 40% और रिमेनिंग एरिया 60% है, और ये 40% हम हटा दिए तो बचा गया मेरे पास कुछ ऐसा बचा फिगर. अब हमें पूछा है इसकी, देखो स्लांट हाइट क्या होगी, अगर ये 10 सेंटीमीटर तो स्लांट हाइट, अगर हम जो कोण बनाएंगे कोण कुछ ऐसा बनेगा, तो स्लांट हाइट 10 हो गई. अब हमें हाइट और रेडियस का रेशियो पूछा है. देखो भाई, अगर ये रेडियस r है और यहां पर ये 10 है, तो इसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो इसके सर्कमफेरेंस के बराबर होगा. इसका सर्कमफेरेंस 60% ऑफ 2π 10, इसका सर्कमफेरेंस 2π r, तो 2π कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल हुआ 6, तो r की वैल्यू होगी 6. अगर r 6 है तो हाइट होगी 8 पाइथागोरस से. तो हमें पूछा है रेशियो ऑफ रेडियस टू हाइट, मींस 6/8, आंसर इज 3/4, सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्तीय सेल जिसका आंतरिक त्रिज्या बाह्य त्रिज्या क्रमशः 8 तथा 12 है, का क्षेत्रफल एक बेलन जिसकी त्रिज्या R1 है के संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है तथा बेलन की ऊंचाई h, तो h का मान R1 के पदों में ज्ञात करें. इफ द एरिया ऑफ सर्कुलर सेल हैविंग इनर एंड आउटर रेडियाई, देखो इस तरह से हमारे पास सेल है, सर्कुलर सेल है, इनर रेडियस 8 है और आउटर रेडियस 12 है, इज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस. देखो एक सिलेंडर है, इसकी रेडियस है R1 और हाइट है h, देन h इन टर्म्स ऑफ R1 विल बी, देखो इसका जो सरफेस एरिया होगा इसका सरफेस एरिया के बराबर है, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई r 12 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ये एरिया बराबर 2 पाई r1 h प्लस 2 पाई r1 स्क्वायर, राइट. तो देखो पाई तो सारा कट गया है ना, तो h की वैल्यू निकालनी है हमें, h ये है, इस 2R1 को चल गया, ये कितना हो जाएगा 144 माइनस 64, 80 माइनस R1 स्क्वायर अपॉन 2R1 इज इक्वल h, हमें ये तो पूछा हुआ है. तो अच्छा यहां पे 2R1 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 40 माइनस R1 स्क्वायर अपॉन R1 इज इक्वल h, तो कौन सा आंसर हो गया, डी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 3.5 मीटर त्रिज्या का कुआं 16 मीटर गहरा खोदा जाता है, प्राप्त मिट्टी को 400 मीटर स्क्वायर क्षेत्र वाली सतह पर फैलाकर एक चबूतरा बनाया जाता है, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करो. अ वेल ऑफ रेडियस 3.5 मीटर इज डग 60 मीटर डीप, द सॉइल रिमूव्ड इज स्प्रेड ओवर एन एरिया 400 मीटर स्क्वायर टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म. देखो यहां पर एक समझने की बात यह है कि जो हमने मिट्टी तो निकाली इस कुएं से और इसको हमने फैला दिया इधर इस एरिया में जिसकी हाइट माना ऐसा कुछ, तो अब यहां पे होगा क्या, ये हो गया एक सिलेंडर और ये हो गया एक क्यूबॉइड, इसकी रेडियस है 3.5 और हाइट है 16 मीटर, और ये जो एरिया है लेंथ ब्रेथ ये देखा 400, मान लेते h इसका ऊंचाई है जो हमारा प्लेटफॉर्म बना है, तो नो एरिया ऑफ सिलेंडर पाई 3.5 स्क्वायर इंटू 16 इज इक्वल एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म इंटू हाइट. तो देखो यहां पर h कितना हो जाएगा, पाई 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 16 अपॉन 400. अब आप एक समझो बात, यहां पे 11 का मल्टीपल, आंसर 11 का मल्टीपल, सारे 11 का मल्टीपल है. अच्छा ये हो गया 0.5 और ये हो गया 25. अच्छा अब यहां पे ये समझना है आप लोगों को कि अच्छा 5 से कैंसिल, 5 से 0.1 टाइम और 0.7 टाइम, ठीक है आंसर. अच्छा 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7, सो दो डेसिमल आएंगे, 1.54, ए ऑप्शन. ठीक है, कैलकुलेशन की ट्रिप होती है, ट्रिक्स होती है, इनको याद रखना है आपको. अच्छा ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इफ एक्स टू द पावर 216 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 216 इज इक्वल 8,
सो वी हैव टू कैलकुलेट x टू द पावर 216 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 216 पूछा हुआ है आपसे. तो देखो सिंपल सी बात है, अगर हम x की पावर 216 को a मान लेते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल 8. तो इसका स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल 64. सो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा 62. अब आप दोनों तरफ ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 कर दो, ये हो गया 60. टू घट जाएगा तो ये हो जाएगा ए माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर बराबर 60. तो यहां से हो जाएगा ए माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल रूट 60 और 2 रूट 15. आंसर इज ए ऑप्शन. देखो हमने जो ए माना था हमारा वही चीज आ गई जो हमें निकालना था. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने इसका शॉर्टकट बताया हुआ है कई सारी वीडियोस में मेरा है. 6√3 इज इक्वल √3a+b. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करते हैं हम. यहां पर 2 को इधर रखो, 3 को अंदर ले जाओ, 9 × 3. अब 9 × 3 = 27 के ऐसे फैक्टर करो जिनका की सम 28 आए. तो 27 और 1, तो ये फैक्टर बन जाएगा 27√-1 इज इक्वल √3a+b. अब ये हो जाएगा 3√3 माइनस 1 इज इक्वल √3a+b. कंपेयर करो, √3a यहां पर 3√3, इसका मतलब a की वैल्यू होगी 3 और b की वैल्यू होगी -1. हमें पूछा क्या a+b, 3 + 3 - 1, आंसर इज b 2. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन. एक आयत की लंबाई को 60% बढ़ाया जाता है, बताइए कि चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उसका क्षेत्रफल समान रहे. द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 60%. देखो दो तरीके होते हैं. नंबर वन मेथड, 60% को हम लिख सकते हैं 60/100 या 2/5. इसका मतलब अब हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है. जब भी इस तरह क्वेश्चन हो इंक्रीज किया डिक्रीज करना है, तो हमेशा डिनोमिनेटर को अगर मुझे डिक्रीज करना है तो मैं यहां पर डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दूंगा कितना ऊपर वाली वैल्यू से. तो ये हो जाएगा 2/7. ओके दिस इज 3. तो मैंने बोला डिक्रीज करना है ना, तो नीचे वाले को इंक्रीज करेंगे 5 और 3 मतलब 8. तो दिस इज 3/8 और 3/8 का परसेंट 37.5. ये आपका एक तरीका हो गया. दोबारा समझो इस बात को. अगर हमसे बोला है 60% इंक्रीज किया है, हमको अब करना है डिक्रीज, तो आप पहले 60% को फ्रैक्शन बना लो. दिस इज 3/5. डिक्रीज करना है मतलब डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दो, मतलब कितना इंक्रीज कर दो ऊपर वाले के साथ. ये आपका आंसर हो गया 3/8 और 37.5. और दूसरा तरीका क्या है, परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल 100 × परसेंटेज इंक्रीज जो हमने किया था अपॉन 100+% increase. तो दिस इज 100 × 60 upon 100+60. दिस इज वॉट डायरेक्ट आंसर. दिस इज 6000 upon 160. एक जीरो कैंसिल हुआ, 4 से 8 से 2 बार और 8 से, तो 37.5. ये भी तरीका हो सकता है. तो दो मेथड मैंने आपको बता दिया, जो आपको अच्छा लगे वो करो. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 31. टू cos ऑफ सर्किल ऑफ लेंथ 2 and 2b आर परपेंडिकुलर इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच द cos इंटरसेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज c. c इज लेस देन रेडियस ऑफ सर्किल, देन द रेडियस ऑफ द सर्किल इज. वृत्त की दो जीवाएं जिनकी लंबाई 2a तथा 2b है एक दूसरे के लंबवत है. यदि जीवाओं के कटान बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी c है तो वृत्त की त्रिज्या से जो कि बड़ी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो. देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है. मान लेते हैं ये आपका एक सर्किल है और ये दो परपेंडिकुलर कॉर्ड्स हैं, इसकी लेंथ है 2b, इसकी लेंथ है 2a और ये जो पॉइंट है जहां पे कट कर रहे हैं ये सेंटर से c डिस्टेंस पर है. ओके सो देखो हम पहला स्टेप क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे. सो इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर एनी कॉर्ड इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड. दिस लेंथ वुड बी a and same way we'll draw a perpendicular from this center to this line, this chord. So this length would be b. अब देखो होगा क्या, अगर ये radius r है in this triangle, if we assume this a b and this c d and this point m and this point n, so this length would be under root r square minus a square. Same way this is radius, this is b, this would be under root r square minus b square because this is perpendicular, this is perpendicular, this is perpendicular, तो ये भी perpendicular होगा. तो this o and m let's say p is a rectangle, तो ये side कितनी हो जाएगी, under root r square minus b square सामने की side है. तो अब इस triangle o m p में लगा दो Pythagoras, so op का square is equal om का square plus pm का square. op कितना है, c square. om square अगर हम om कहते हैं दो की r square minus a square, this is r square minus a square plus
पीएम आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर करो तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहां से हो गया 2R² इज इक्वल सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2, तो आर की वैल्यू हो गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई अंडर रूट 2, ये पूरे में अंडर रूट होगा अंडर रूट 2, आंसर इज सी ऑप्शन, यहां भी अंडर रूट होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके वी हैव गिवन विद एल कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ टेन थीटा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप एज इट छोड़ो अभी, अब हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा को जब हम लिखेंगे तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस कॉस कट गया, साइन ऊपर आ जाएगा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक को लिखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, अब साइन को अंदर मल्टीप्लाई करो, दिस इज 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर हम क्या करेंगे, एल कॉस को लिख लो आप साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या काम करते हैं चलो ऐसे कर लेते हैं प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, यहां से हो गया एल माइनस एल साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और यहां पर इस 1 को लिख दो आप साइन स्क्वायर थीटा, इस 1 को लिख हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2, बल्कि आप इसको कन्वर्ट ना करो, इसको स्टेप को दोबारा कर देते हैं क्योंकि टेन निकालना तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो बहुत लंबा जाएगा। हमारे पास क्या हुआ था, यहां पर बचा था एल कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल, ये मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं 1 को लिख रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जबकि एक साइन स्क्वायर और है, तो दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करो, इस कॉस को इधर ले जाओ और साइन को इधर ले जाओ, तो दिस इज एल कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस एम साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां से कॉस कॉमन लेता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा एल माइनस 1, इधर से साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस एम, तो यहां से हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल एल माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एम। सो टेन थीटा कितना हो गया अंडर रूट एल माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एम, कौन सा ऑप्शन हो गया एल माइनस 1, डी ऑप्शन। ओके अब इसका एक शॉर्टकट देख लो, अगर हम इस क्वेश्चन को शॉर्टकट करना चाहें तो देखो हम मान लेंगे थीटा इज इक्वल 45 डिग्री, तो जरा वैल्यू पुट करो कॉस 45 1 बाई रूट 2 स्क्वायर करोगे तो 1 बाई 2 हो जाएगा, और उसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा भी 1 बाई 2 होगा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाई 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1, दिस इज 1 बाई 2 इंटू 3, तो एल प्लस एम बाई 2 इज इक्वल 3 बाई 2, और यहां से आ गया एल प्लस एम इज इक्वल 3। हमको पूछा है टेन थीटा, तो टेन 45 हो जाएगा 1, तो देखो कौन सा ऑप्शन एल प्लस एम 3 रखने से 1 दे रहा है, तो यहां से हम कह सकते हैं एल इज इक्वल 3 माइनस एम। जरा पुट करते हैं एल की वैल्यू हर ऑप्शन में, देखो यहां पर रखोगे आप 3 माइनस एम माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एम, यहां से 1 आ रहा है, इधर रखते हैं 2 माइनस 3 प्लस एम, यहां से भी ये नहीं हो सकता इक्वल में, ये हो सकता है एल माइनस 2 3 माइनस एम, यहां से देखो m नेगेटिव है जबकि नीचे m पॉजिटिव है, ये नहीं हो सकता l माइनस 3 माइनस एम माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एम, यू गेट 2 माइनस एम, ये भी बन जाएगा। तो इस तरह से शॉर्टकट में दोनों आंसर दो वैल्यू बना रही, तो आपको वो पुराना मेथड ही करना पड़ेगा। कुछ जगह बेसिक लॉजिक कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि यहां पर देखो बस 2 और 1 का उल्टा है बस, ठीक है ना, तो इस केस में आपके लिए वैल्यू प्रॉब्लम करेगी, 1 लाना ना 1 से प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको पुराने मेथड से करो, जब दो ऑप्शन एक जैसे आएंगे तो आपको ये सब करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके तो इसमें ये मेथड अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अंकों की संख्याओं की वह संख्या ज्ञात करें जिसे सभी अलग अंकों के द्वारा बनाई जा सकती है, 9 अंकों की संख्याओं की वह संख्या ज्ञात करें जिसे सभी अलग अंकों के द्वारा बनाई जा सकती है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म ऑल हैविंग डिफरेंट डिजिट्स। अब देखो ये कहने को तो परम्यूटेशन क्वेश्चन है, अब आपको करना क्या है,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन. तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाई नाइन वेज. हम पहले प्लेस पर हम जीरो नहीं रख सकते हैं. सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाई नाइन देन एट देन सेवन देन सिक्स, क्योंकि हमें रिपीट नहीं करना है, फाइव फोर थ्री एंड टू. तो दिस वैल्यू इज फैक्टोरियल नाइन. सो वी कैन से दिस इज नाइन इंटू फैक्टोरियल नाइन. आंसर इज सी ऑप्शन. वैसे ये क्वेश्चन एक बार आया था तो इसलिए दे दिया गया, अदरवाइज परम्यूटेशन क्वेश्चन अब एसएससी में नहीं आते हैं. नेक्स्ट, एबीसी इंटर इंटू अ पार्टनरशिप बाई मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 357. आफ्टर ईयर सी इन्वेस्ट अनदर रूपीज 337,600 वाई ए विड्रॉ 45,600. रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट देन चेंजेस टू 24,59,167. हाउ मच डिड ए इन्वेस्ट इनिशियली. ए बी एंड सी क्रमशः 3, 5, 7 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी में दाखिल होते हैं. एक साल बाद सी 337,600 और निवेश करता है जबकि ए 45,600 निकाल लेता है. इसके बाद निवेश का अनुपात 24,59 और 167 हो जाता है. एक का प्रारंभिक निवेश ज्ञात करें. अच्छा देखो, इस क्वेश्चन करने का तरीका, पहली कंडीशन बोला है कि ए बी और सी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 3:5:7 का रेशियो. तो मान लेते हैं इसका 3x है, इसका 5x है, इसका 7x है इनिशियल. अच्छा, अब एक साल बाद ए 45,600 हटा लेता है और सी 337,600 और बिजनेस में लगा देता है. तो अब इनका जो रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 24:59:167. देखो, करने के दो तरीके हैं. मेथड वन, 3x में से 4, 5, 6, अब हम क्या मानते हैं, ये 24y, दिस इज 59y, दिस इज 167y. तो अगर 3x में से 45,600 घटा दो तो ये बन जाता है 24y. और सेकंड कंडीशन में 7x में अगर मैं 337,600 ऐड कर लेता हूं, ये बन जाता है 167y. ये हमारी इक्वेशन वन हो गई, इक्वेशन टू हो गई. हमें सॉल्व करके एक्स और वाई कैलकुलेट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा. लेकिन इसको सॉल्व करना एग्जाम में थोड़ा ट्रिकी होगा. अब हम देखो उसको कैसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको डिस्कशन की जरूरत पड़ती है कुछ क्वेश्चन हम कैसे जल्दी कर सकते हैं. तो देखो, अगर हमें पूछा ए का प्रारंभिक इन्वेस्टमेंट, ये तो पॉसिबली नहीं है जब उसने 45,600 निकाल लिए. देखो, जो एम होता है वो ये होता है कि हम क्वेश्चन को जल्दी कैसे करें. तो ये तो तरीका आपको पता ही होगा, आप इस तरह सॉल्व कर लोगे, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है, फिर इक्वेशन मैनेज करोगे. तो देखो, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि जब वो 45,600 निकाल रहा है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि जीरो पैसा थोड़ी होगा भाई, उसका कुछ तो इन्वेस्टमेंट बचा है ना. अब देखो, दो ऑप्शन बचते हैं, ये दोनों. अब ये देखो, ये भी नहीं हो सकता, तो केवल क्या बचता है, ऑप्शन ए ऑप्शन. आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना भाई, आपका 45,600 निकालने के बाद भी ए का कुछ इन्वेस्टमेंट बच रहा है, इसका मतलब बाकी तीन तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है. और अगर ऑप्शन और भी होते तो फिर हम उसको और तरह से डिस्कस करते हैं. बाकी इस तरह के क्वेश्चन में ये आप कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टंकी का रिसाव पूरी भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है. इस रिसाव के कारण पूर्ण भरी टंकी में एक भरने वाला नल खोला जाता है जो 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर रहा है. तब इस प्रकार एक टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है. टंकी की धारिता लीटर में ज्ञात करें. अ लीक इन द बॉटम ऑफ अ टैंक कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 6 आवर्स एंड इनलेट पाइप फिल्स वाटर एट द रेट ऑफ 4 लीटर अ मिनट व्हेन द टैंक इज फुल. द इनलेट इज ओपन एंड ड्यू टू द लीक द टैंक इज एम्प्टी इन 8 आवर्स. द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, देखो जो 4 लीटर अ मिनट है इसको हम बाद में यूज करेंगे, पहले देखते हैं जो लीकेज है वो 6 आवर्स में खाली करती है. माइनस ले लेते हैं इसको. और फिल पाइप प्लस लीकेज जब दोनों चलते हैं तो ये 8 आवर्स में खाली होती है. इनका ले लो एलसीएम आप, तो इनका एलसीएम आएगा 24, 6 4 जा और 8 3 जा. इसका मतलब जो फिल पाइप है, माना कि वो 1 लीटर पानी पर मिनट डाल रहा है, तो इन दोनों x लीटर पानी पर मिनट डाल रहा है, तो -4 + x = -3, तो x आ गया 1 लीटर. इसका मतलब 24 लीटर को भरने में 1 के हिसाब से इसको 24 आवर्स लगने वाले हैं. इसका मतलब अब ये तो हो गया उस भरने वाले पाइप का एक्चुअल टाइम टू फिल द टैंक 24 आवर्स. अब 24 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करो क्योंकि जो हमारे पास पानी भरने का रेट दिया वो 4 लीटर पर मिनट है, तो इतने मिनट लगेंगे और 1 मिनट में 4 लीटर पानी डाला. इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा कैपेसिटी ऑफ द टैंक, ठीक है. तो देखो, 1 0 तो आखिरी में आएगा 6, आखिरी में 60 आने वाला है, तो केवल एक ऑप्शन में 60 है, 35 का सी आंसर हो गया. मतलब आपको यह भी ध्यान रखना है कि हम जल्दी कैसे चीजों को करें, ठीक है ना. और ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, इसको आप प्रैक्टिस कर लो. जब भी फिलिंग का रेट दिया होता तो पहले आप टाइम निकाल के उसको बाद में फिलिंग रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी एंड ए बी एम एन आर ऑन द बेस ए बी. ओके, ए बी सी डी
एंड ए बी एम एन, ओके ये पैरेललोग्राम दिए हुए हैं, वेयर ए बी इज पैरेलल टू डीएम. इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एम इज 80 स्क्वायर यूनिट, व्हाट विल द एरिया ऑफ ए पी एन? ए पी एन, ओके देखो देखो इसका डायग्राम थोड़ा सा ट्रिकी दिया हुआ है, बाकी आप डायग्राम कुछ ऐसे बना लो तो आसान हो जाएगा आपके लिए. ए बी एम एन और ए बी सी डी, तो अब आपको समझ में आना चाहिए समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी ए बी एम एन एक ही आधार ए बी पर स्थित, जहां ए बी परपेंडिकुलर ए बी पैरेलल टू डीएम, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है. यदि समांतर चतुर्भुज ए बी एम एन, ए बी एम एन का जो एरिया है वो है 80, तो ए बी सी डी का भी 80 होगा. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ये भी 80 होगा क्योंकि ए बी एम एन का 80 है. अच्छा एपीएन पूछा हुआ है, ए यहां पर हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, आपको ये एरिया पूछा हुआ है. तो देखो उसका तरीका होता है, आप यहां से लाइन ड्रॉ कर दो पैरेलल, तो ये जो लाइन पैरेलल तीनों की होगी, तो अगर मैं ये नाम देता हूं पी क्यू, तो ये जो आपका पैरेललोग्राम है पी क्यू एन एम ये डायगनल हो गया, तो ये हिस्सा x तो ये एरिया भी x. उसी तरह से नीचे ए बी पी क्यू की बात करते हैं, ये हिस्सा y तो ये भी y. तो इस ट्राइंगल एपीएन का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीएन ये क्या है, x प्लस y, डायग्राम से देखो. और क्योंकि अगर हम बात करते हैं ए बी एम एन, दिस एरिया है 2x प्लस 2y, और ये कितना दिया 80, तो x प्लस y कितना हो गया 40. सो आंसर एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 40 स्क्वायर यूनिट, सी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. एक दीवार घड़ी जो कि एक समान गति से बढ़ रही है, एक रविवार की दोपहर में घड़ी 2 मिनट पीछे थी तथा अगले रविवार अपराह 2 बजे घड़ी 4 मिनट 48 सेकंड आगे हो जाती है, घड़ी कब सही समय दिखाएगी? अ वॉल क्लॉक विच गेन्स यूनिफॉर्मली इज 2 मिनट स्लो एट नून ऑन संडे एंड इज 4 मिनट 48 सेकंड फास्ट एट 2 PM ऑन द फॉलोइंग संडे, व्हेन डिड इट शो द करेक्ट टाइम? देखो यहां पर दिखाया कि 2 मिनट स्लो थी 12 बजे संडे और 4 मिनट 48 सेकंड फास्ट हो गई 2 PM, तो टोटल टाइम 12 नून संडे से 2 PM नेक्स्ट संडे, टोटल टाइम कितना होगा? देखो 24 × 7 तो ये होगा प्लस 2 आवर्स, तो 170 आवर्स ये एक्स्ट्रा हो जाएगा. तो अब हम ये कह सकते हैं कि 4 मिनट + 48 सेकंड, इसको लिखो आप 240 + 288 सेकंड फास्ट हुआ वो 170 आवर्स में, तो 120 सेकंड, क्योंकि देखो 2 मिनट स्लो थी, 2 मिनट आगे करना होगा एक्सेक्ट टाइम के लिए, तो दिस इज 170 × 120/288. सो अच्छा यहां पर एक यहां पे 120 और ऐड करना पड़ेगा. देखो पहले 2 मिनट स्लो थी फिर 4 मिनट फास्ट हो गए, तो यहां पर ये लाइन चेंज कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 80408 सेकंड वो फास्ट होती है 170 आवर्स में. सो 120 सेकंड फास्ट कब होगी? 170 × 120/408, 17 से 1 टाइम और 17 2 टाइम 17 4 टाइम्स, ठीक है 12 टू जा और 50 आवर्स में, इसका मतलब 50 आवर्स में वो इतना आगे हो जाएगी, तो 50 आवर्स मतलब 12 नून संडे की बात हम करते हैं, तो संडे तो 12 नून मंडे को हो जाएंगे 24 आवर्स, 12 नून ट्यूजडे को हो जाएंगे 48 आवर्स, तो 2 PM ऑन ट्यूजडे, बी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. ए किस अकेले किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, ए तथा बी सी की मदद से इस कार्य को 3200 रुपए के लिए 3 दिन में पूरा करने तैयार होते हैं, सी को कितने रुपए मिलेंगे? तो देखो ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को 3 दिन में करते हैं, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 आएगा, 6 4 8 3 and 3 8, तो मान लेते हैं सी का जो पर डे का यूनिट है वो एक्स है, तो सॉल्व करने पर 4 + 3 + x = 8 आएगा, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसका मतलब दे विल डिवाइड दिस अमाउंट इन द रेशियो 4 3 1. नाउ शेयर ऑफ सी पूछा हुआ ना 1/8 ऑफ 3200 400, सो शेयर ऑफ सी वुड बी 400, आंसर इज ए ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. यदि कॉस अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है 4/5
एंड साइन अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है आपको 5/13 और ये बोला हुआ है अल्फा बीटा लाइज बिटवीन 0 to π/4 देन वैल्यू ऑफ 10 टू अल्फा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा 4/5 है तो 10 अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? देखो यहां से आपको ध्यान रखना, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो यहां से परपेंडिकुलर कितना होगा 3, तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। इसी तरह से 10 अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो यहां से ये हो गया परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये बेस होगा कितना 12। ट्रिपलेट यूज करो ना, और 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12, तो हमें निकालना है 10 टू अल्फा। इसको लिख सकता हूं मैं 10 अल्फा प्लस बीटा माइनस प्लस अल्फा माइनस बीटा, ये कर सकता हूं। इसका फॉर्मूला होता है 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस 10 अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा प्लस बीटा इंटू 10 अल्फा माइनस बीटा। तो देखो 10 अल्फा प्लस बीटा 3/4, 10 अल्फा माइनस बीटा 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। तो यहां पर ये एलसीएम आ जाएगा ऊपर 12, 9 प्लस 5 और नीचे एलसीएम आ जाएगा, इसको काट लो 16, तो 16 माइनस 5 तो ये जाएगा 14 इंटू 16 अपॉन 11 इंटू 12, सो ये हो गया 4 जा 4 3 जा, सो 56/33, आंसर इज ए ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आर्क त्रिज्या का गोल गुब्बारे दर्शक की आंख पर थीटा कोण बनाता है, यदि गुब्बारे केंद्र से आंख का उन्मीलन कोण फाई है तो गुब्बारे केंद्र की ऊंचाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। देखो एक आर्क त्रिज्या गोल गुब्बारे दर्शक की आंख पर थीटा, जब थीटा कोण बनाता है उसका यह लॉजिक होगा कि ऐसे आप ज्वाइन करोगे, ये कोण पूरा थीटा है, ये माना सेंटर हो गया, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा बाई टू, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है ना टेंजेंट की, मान लो ये ओ ए बी और सी पॉइंट है, और ये भी बोला है कि सेंटर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन दिस इज, दिस एंगल इज फाइव। अब आपको पूछा हुआ है ये ओडी केंद्रीय ऊंचाई पूछिए, तो पहले हम क्या करेंगे, लेंगे हम ट्राइंगल ओ ए सी। देखो ये आर दिया हुआ आपको है ना, तो हम लेंगे साइन थीटा बाई टू, ये क्या होगा ओ ए अपॉन ओ सी, और ओ ए आर है तो ओ सी कितना हो जाएगा आर अपॉन साइन थीटा बाई टू, या इसको हम कहते हैं आर कॉसेक थीटा बाई टू। अच्छा अब हम लेंगे ट्राइंगल ओ डी सी, हमें निकालना है हाइट ओ डी, तो अब हम लेंगे साइन फाइव, इट इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ सी, और ओ डी हमें कैलकुलेट करना है, दिस इज ओ सी साइन फाइव, और ओ सी कितना है आर कॉसेक थीटा बाई टू इंटू साइन फाइव, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया आर कॉसेक थीटा बाई टू साइन फाइव, आंसर हो गया सी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन है 41, बादल का उन्नयन कोण झील की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर अल्फा है तथा झील में उसकी परछाई का अवनमन कोण बीटा है, झील से बादल की ऊंचाई याद करें। देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फॉर्म ए पॉइंट h मीटर अबव द सर्फेस, देखो मान लेते हैं ये आपका वॉटर सर्फेस है और आप यहां पर h मीटर हाइट पर खड़े हो, तो यहां पर एक बादल है इस तरह से, मान लो कि ये बादल झील से h ऊंचाई x ऊंचाई पर, हमें x निकालना है, तो ये बोला हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस क्लाउड इज अल्फा, और जितना ये ऊपर उतना नीचे बनेगा इसकी इमेज पानी के अंदर, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको बोला हुआ है बीटा, बस ये इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम समझना। तो देखो भाई ये मैंने पूरी ऊंचाई x मान ली, तो अगर मैं इस डायग्राम की बात करता हूं ए बी सी और ये डी, तो ये लेंथ कितनी होगी x माइनस h, क्यों ऐसा होगा क्योंकि ये हिस्सा h है और ये लेंथ ये भी x हो जाएगी, तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा x प्लस h, मान लो कि ये डिस्टेंस a है। अब हम a को सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले लेंगे ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल ABC की जब हम बात करेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल x माइनस h अपॉन a, तो यहां से a कितना हो जाएगा x माइनस h अपॉन tan अल्फा। उसके बाद ट्राइंगल लेंगे हम ABD, tan बीटा इज इक्वल x प्लस h अपॉन a, तो यहां से a हो जाएगा x प्लस h अपॉन tan बीटा। नाउ a को दोनों तरफ से इक्वेट कर दो, तो x माइनस h अपॉन tan अल्फा इज इक्वल x प्लस h अपॉन tan बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x tan बीटा माइनस h tan बीटा इज इक्वल x tan अल्फा प्लस h tan अल्फा। अब मैं सारे x को एक तरफ कर लेता हूं, तो ये जब x इधर आएगा तो ये हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, और इधर हो जाएगा h कॉमन tan अल्फा प्लस tan बीटा, तो हमारा आंसर क्या हो गया x इज इक्वल h tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन
टेन बीटा, बस यहां पे साइन का ध्यान रखना, टेन बीटा पहले होना चाहिए। तुम्हारा आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट। ओके, यदि 1, 2, 4y, x, 6 तथा 3, 5 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक है तो x तथा y का मान ज्ञात करें। इफ 1, 2, 4y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखो बहुत आसान कॉन्सेप्ट होता है इसका। अगर आपको ए बी सी और डी, ये दिया हुआ है 1, 2, ये दिया है 4, y, ये दिया है x, 6 और ये दिया हुआ है 3, 5। आपसे बोला एक्स वाई, देखो सिंपल सी बात ही होती है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल मिड पॉइंट पे कट करते हैं। इसका मतलब मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला था एक्स वन प्लस मिड पॉइंट ऑफ ए सी, 1 प्लस x/2 और 6 प्लस 2/2, और उसी तरह से मिड पॉइंट ऑफ बी डी क्या होगा, 3 प्लस 4/2 एंड 5 प्लस y/2। और ये भी रूल होता है कि दोनों मिड पॉइंट एक ही होता है, इसका मतलब ये वैल्यू उसके बराबर होगी और ये वैल्यू, तो हम कह सकते हैं 1 प्लस x/2 इज इक्वल 3 प्लस 4/2 और x इज इक्वल 6। तो x 6 के इतने ऑप्शन है, केवल एक ऑप्शन में, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं हमको। हमारा तो काम ये था ना कि आंसर जल्दी से मैच करा दें, हमारा x एक ही जगह है 6। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ PQRS एक आयत है जिसकी भुजाएं 8 इकाई तथा 6 इकाई हैं। PTUR एक ऐसा आयत बनाया जाता है जिसकी एक भुजा प्रथम आयत के विकर्ण PR पर है तथा इसकी विपरीत भुजा प्रथम आयत को S पर स्पर्श करती है, जैसा कि चित्र में दिया गया है। आयत PQRS एवं PTUR के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। नौ, PQRS इज रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन 8 यूनिट एंड 6 यूनिट। PTUR इज रेक्टेंगल ड्रॉन इन सच ए वे दैट डायगोनल PR ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल इज वन साइड एंड साइड अपोजिट टू इट इज टचिंग द फर्स्ट रेक्टेंगल एट S, एज शोन इन द गिवन फिगर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS टू दैट PTUR। देखो आपके पास एक इस तरह से रेक्टेंगल है, इसकी साइड्स हैं 8 एंड 6, दिस इज PQR एंड S। फिर एक रेक्टेंगल और जो इसके डायगोनल से जा रहा है इस तरह से, और ये कुछ, दिस इज पी टी यू। नाउ अगर ये 8 है ये 6 है तो डायगोनल 10 होगा। अब हमें ये लेंथ निकालनी है तो हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। मान लेते हैं लेंथ x है। अब देखो होगा क्या, यहां पर जो ये ट्राइंगल है इसका एरिया क्या होगा? देखो ये एरिया, ये भी साइड 6 है, ये 8 है, तो एरिया हाफ 8 × 6 इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया हाफ 10 × x। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 4.8। नाउ एरिया ऑफ पी क्यू एस आर अपॉन एरिया ऑफ पी टी यू आर। देखो 8 × 6 पहला रेक्टेंगल पी क्यू एस आर, और पी टी यू आर में इसकी लेंथ है 10 और इसकी ब्रेथ है 4.8, क्योंकि मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये भी रेक्टेंगल में 4.8 हो जाएगा। तो दिस इज 48/48, आंसर इज 1, सी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट। 31,684 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार खेत के चारों ओर कटीले तार लगाए जाने हैं। तार को क्रमशः जमीन से 1, 2, 3 तथा 4 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है। यदि आवश्यक तार की लंबाई वास्तविक तार की लंबाई से 5% अधिक है तो कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अ स्क्वायर फील्ड ऑफ एरिया 31,684 मीटर स्क्वायर इज टू बी सराउंडेड बाई द बार्ड वायर, द वायर टू बी फिक्स एट ए हाइट ऑफ 1, 2, 3 एंड 4 मीटर अबव द ग्राउंड। इफ द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड टू कवर द फील्ड वंस इज 5% मोर देन द एक्चुअल लेंथ, देन हाउ लॉन्ग वायर विल बी रिक्वायर्ड। नाउ देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास स्क्वायर वायर है तो देखो यहां पर 1, 2, 3, 4 तो कंफ्यूज करेंगे, मतलब चार बार हमें तार लगाने, तो हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर रूट 4 करेंगे, और क्योंकि 1.05 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमको एक्चुअल जो वायर है वो 5% एक्स्ट्रा चाहिए, राइट? तो ये हमें करना है, तो पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर होता है 4a × 4 × 1.05, राइट? अब हमें यहां पर इसका एरिया दे रखा है a² = 9। नाउ अब देखो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम या तो यहां से ए स्क्वायर दे रखा है आपको 31684, अब यहां से आप ए निकालोगे फिर यहां पुट करोगे। एक चीज देखते हैं, देखो यहां पर ये 105 जो है 7 और 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब हमारा आंसर 3 का मल्टीपल होगा और 7 का जरूर होगा। पहले चेक करते हैं 3 का मल्टीपल, ये नंबर 3 का मल्टीपल है, ये नंबर, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये नंबर 3 का मल्टीपल नहीं, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। मतलब ऐसे हम चेक कर सकते हैं, और ये नंबर भी 3 का मल्टीपल नहीं है। अच्छा यहां पर ये 4 है, क्वेश्चन में आंसर देखो 4 होगा। अच्छा अब ये
थ्री का मल्टीपल है, तो तीन आंसर वहां पर थ्री के मल्टीपल। अब देखो ये जो है पहले देखते हैं सात से, सेवन थ्री जै 21, 29, 10, नो दिस इज नॉट डिजिटल, सेवन सेवन थ्री जै 21, 68, सेवन नाइन जै 55 और सेवन सेवन जै 68, नो सेवन फोर जै 28, सेवन टू जै 14, 50, यस दिस इज डिजिटल बाई, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। अब आप देखो यहां पर वैसे करना चाहो वैसे कर लो, ए स्क्वायर अगर इतना है तो ये होगा 178, एक्चुअली जो वैल्यू आएगी ये होगी 178, तो यहां पर आप लिखोगे 4 into 178 into 4 into 1.05, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। वो मल्टीप्लाई करके भी आ जाएगा, लेकिन हम जो ट्रिक अप्लाई करते हैं ना वो मल्टीपल डिविजिबिलिटी का रूल अप्लाई करते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच स्टील 4.2 मीटर व्यास तथा 4.5 मीटर की ऊंचाई वाली एक बंद पेट्रोल की टंकी बनाए जाने में कितने स्टील की आवश्यकता होगी यदि उपयोगित स्टील का 1/12 भाग खराब हो जाता है। हाउ मच स्टील विल बी यूज टू मेक ए क्लोज पेट्रोल स्टोरेज टैंक ऑफ डायमीटर 4.2 मीटर हाइट 4.5 मीटर। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, पहली बात तो आप यहां देखो जो मीटर स्क्वायर में मतलब एरिया पूछा हुआ है, और ये रेडियस आपको दी हुई है डायमीटर 4.2, तो रेडियस होगी 2.1, हाइट 4.5 मीटर है, और ये भी बोला हुआ है कि इफ 1/12 ऑफ द एक्चुअल स्टील यूज्ड इज वेस्टेड अवे, जो टोटल स्टील है उसमें से 1/12 जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, अगर हम 12 मीटर स्क्वायर लाएंगे तो वो हमें 11 मीटर स्क्वायर मिलेगी, इसका मतलब हमें लाना होगा जो भी हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा उसको हमें 12/11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट नाउ 12/11 टोटल सरफेस एरिया पाई 2πr(h) प्लस 2π 2.1 का स्क्वायर, ये आपको करना है। तो अब 11 से पाई वाला वैल्यू कटेगा, तो आप पहले यहां से 2π कॉमन ले लो, 2πr कॉमन ले लेते हैं, 2 × 22/7 × r 2.1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 4.5 + 2.1। राइट तो देखो 11 से दो बार जाएगा, ये 7 से 0.3 टाइम जाएगा, ये हो गया 12 × 4 × 0.3 और ये कितना हो जाएगा 6.6। अब हमारा जो आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल दो बार है, इसका मतलब 9 का मल्टीपल होगा, ये नंबर 9 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए देखना ये नंबर 9 का मल्टीपल है, ये नंबर नहीं है। अच्छा अब लेकिन एक समस्या, नन ऑफ दीज भी, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो यहां पर, दिस इज 12 × 1.2 × 6.6। राइट 11 का मल्टीपल भी होगा, तो क्या 11 का मल्टीपल, यस इट इज, सो आंसर इज दिस, आप आगे मल्टीप्लाई मत करो, दिस इज आंसर बी ऑप्शन। अ राइट सर्कुलर कोन हैज बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर। अ राइट सर्कुलर कोन हैज बेस रेडियस 7 एंड इट्स हाइट इज 24 सेंटीमीटर। अ सेक्शन इज मेड बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस थ्रू अ हाइट ऑफ हाफ द हाइट ऑफ द कोन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द अपर पार्ट। एक समकोण वृत्त शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर त्रिज्या 7 है को आधार के समांतर आधी ऊंचाई से काटा जाता है, ऊपरी भाग का आयतन ज्ञात करें। देखो यार आसान सा क्वेश्चन है ये, कई तरह से क्वेश्चन बनता है, अगर मैं इसको एग्जैक्टली मिडिल से काटता हूं तो जो रेडियस यहां पर होगी उसका हाफ यहां पर होगा, मतलब 3.5 होगा। अगर ये हाइट 12 है, 24 है तो ये 12 होगी, तो हमें ऊपर का वॉल्यूम पूछा है, तो 1/3π 3.5² × h 12, तो ये 3 से 4 टाइम जाएगा, 22/7 × 3.5 × 3.5, ये 7 से 0.5, तो अब हमारा जो आंसर होगा उसमें 11 जरूर होगा, ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, दो आंसर कट गए। अच्छा अब ये दोनों आंसर 11 से जा रहे हैं। अब यहां पे एक चीज नोटिस करो, 7 जरूर है, क्या ये 7 जा रहा है, नो आंसर इज बी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तेल की कीप टिन की शीट से बनाई जाती है जिसमें 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले बेलन को एक शंकु चिन्ह से जोड़ा जाता है, जिसमें 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले बेलन को एक शंकु चिन्ह से जोड़ा जाता है, यदि इसकी कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर हो, बेलन के आधार का व्यास 22 सेंटीमीटर तथा कीप के ऊपरी भाग का व्यास 18 सेंटीमीटर, कीप को बनाने आवश्यक टिन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एन ऑयल टनल मेड ऑफ टिन शीट कंसिस्ट ऑफ अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोर्शन, इस तरह से एक आपका 10 सेंटीमीटर ये सिलेंड्रिकल पोर्शन, उसके बाद एक आपके पास यहां फ्रस्टम बना हुआ ऐसे, ठीक है ये आपके पास है, तो ये तो हिस्सा हो गया फ्रस्टम और ये हो गया आपका सिलेंडर। नाउ ये जो लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर है, एंड इफ द टोटल हाइट, ये टोटल हाइट है 22 एंड डायमीटर सिलेंडर का पोर्शन, ये 22 डायमीटर तो 11 ये हो गया, ये भी 11 हो गया,
और उसके बाद बोला हुआ है डायमीटर ऑफ सिलेंडर पोर्शन 8, ये 4 होगा, ये भी 4 हो गया। उसके बाद डायमीटर ऑफ टॉप ऑफ द टनल इज 18, तो ये कितना हो गया 9। अब हमको पूछा है टोटल सरफेस एरिया, नहीं सरफेस एरिया, देखो इसमें लॉजिक ये होगा, ये हिस्सा खाली होगा, ये हिस्सा खाली होगा, ये हिस्सा खाली होगा, तो देखो यहां पर तो हो गया कर्व सरफेस, यहां भी कर्व सरफेस हो गया, तो कर्व सरफेस, तो देखो ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन इसका सरफेस एरिया होगा 2πr इंटू एच वन, मान लेते हैं ये आर वन है और ये एच वन है, प्लस अब ये जो सरफेस है आपके पास, ये जो फ्रस्टम है इसका एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया पाई आर वन प्लस आर टू इंटू एल। अब यहां पर एल के लिए क्या करेंगे, देखो जब हम इसकी बात करते हैं ये आपके पास 9 है, ये 4 है, तो यहां पर ड्रॉ कर दो ऐसे हाइट, तो देखो ये टोटल 22 है, ये 10 है, तो ये कितना बचेगा 12, ये होगा 5, तो ये होगा 13, एल की वैल्यू होगी 13, तो वैल्यू पुट करो और इसमें से पाई कॉमन ले लेते हैं, अंदर 2 आर वन 4 एच वन 10 प्लस आर वन प्लस आर टू 4 प्लस 9 13 और एल 13, सो दिस इज पाई, दिस इज 80 प्लस 169, दिस इज 9 249 पाई। अच्छा 249 इंटू 3.14 कर लो। अब हमें देखना है कि अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आएगा, 728 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर ए हो गया। यहां पर हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि देखो डेसिमल में दिया हुआ है और पाई की वैल्यू 3.14, क्योंकि 7 से कट नहीं रहा है पहली वैल्यू, ये 7 से कट नहीं रहा है, या तो हमारा आंसर 249 पाई होता तो हम ऐसे कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कागज पर चार रेखाएं सीधी रेखाएं खींच जाती है, बताया कि उनके प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या क्या नहीं होगी। अच्छा क्या नहीं होंगी, ये प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, फोर लाइंस ड्रॉन ऑन अ पेपर फाइंड द नंबर विच कैन नॉट बी द नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो देखो यार पहली बात तो जीरो हो सकता है, ऐसे चार खेल से पैरेलल तो ये पॉसिबल है, हमें पूछा क्या नहीं होंगी। अच्छा अब हम देखते हैं चार हो सकती नहीं हो सकती है, चार हो सकती है, ये चार हो सकती है, बी हो सकता है, क्या पांच हो सकती है, यस ऐसे पांच हो सकती है, ऐसे ये पांच हो सकती है, इसका मतलब 7 नहीं होगा, हमारा आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, डी ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन में आप क्या नहीं हो सकता है वो पूछा, तो आप क्या हो सकता है वो निकाल लो, जो बचेगा वो नहीं हो सकता है। 49, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाय इट, देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे। तो देखो ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 9 दिन में, एलसीएम हो गया 18 2 और 1 1 और 2, इसका मतलब एक दिन में वो 3 यूनिट कर रहे हैं, तो पार्ट इन वन डे, हमको पार्ट पूछा ना इन वन डे, इज इक्वल 3/18 और 1/6, आंसर इज ए ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसीडी एक वर्ग है जिसके विकर्ण एसी तथा बीडी ओ पर मिलते हैं, माना के एन एल बिंदु ए बी पर, इस प्रकार है कि एओ बराबर ए के एन बीओ बराबर बी एल, यदि थीटा बराबर एंगल एल ओ के तब टेन थीटा। ओके तो देखो एबीसीडी इज स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है आपके पास, इसके आपने ए बी सी डी आपने इसके डायगनल ज्वाइन कर दिए, ये डायगनल कहां मिल रहे हैं ओ पर, और यहां पर एक पॉइंट बोला हुआ है ए बी पर, पॉइंट है के और एल, ये के और एल है, सच दैट ए ओ बराबर ए के, अच्छा ए ओ बराबर ए के एंड बी ओ बराबर बी एल, अच्छा ये और ये बराबर है, इधर ये और ये बराबर है, इसका मतलब, और आपको पूछा क्या है एल ओ के एंगल, ये थीटा, तो ये थीटा हो गया। अब अगर ये एंगल इक्वल है, देखो ये साइड इक्वल है ए के, अच्छा इसमें ये हो सकता है कि ये एल इधर होगा के इधर होगा, तो तभी तो बड़ी साइड आएगी, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, और ये एंगल 45 है, तो ये एंगल कितना होगा 67 पॉइंट, भाई इन दोनों का सम अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और उसी तरह से इधर की बात करते हैं ये भी ये वाई, तो ये वाई होगा पूरा यहां से यहां तक, तो इसका मतलब एक्स प्लस एक्स प्लस 45 इज इक्वल 180, 2x इज इक्वल 135, एक्स इज इक्वल 67.5, तो इस तरह से ये भी 67.5 हो गया, इन दोनों का सम कितना हो गया 135, तो थीटा कितना होगा 45, तो 10 45 इज 1, आंसर इज सी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, इफ ए इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एंड बी इज वन ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेन्यूज। यदि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ए तथा बी उस समकोण त्रिभुज की एक भुजा है तो जो समकोण बनाती है, तो कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। देखो भाई एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है,
लेट्स से दिस इज ए बी सी, आपको बोला इसका एरिया ए है तथा बी उस समकोण त्रिभुज की भुजा है। मान लेते बी ये है। अब देखो हमको ये बी दे रखा है, एरिया दे रखा है ए, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बी बेस इंटू, मान लेते ये साइड एक्स है बी एक्स, तो यहां से एक्स कितना आ गया 2a बाई बी। अच्छा अब हम मान लेते हैं इसका हाइपोटेन्यूस एच है, तो यहां से लगाओ एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स की वैल्यू कितनी आई है 2a बाई बी, तो दिस इज बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज बी 4 प्लस 4a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये हो गया एच स्क्वायर की वैल्यू। तो एच कितना हो जाएगा अंडर रूट बी 4 प्लस 4a स्क्वायर बाई बी, और हमको पूछा क्या है लेंथ ऑफ पर्पेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन, तो लेट्स से दिस लेंथ इज वाई, तो हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बी एक्स इज इक्वल हाफ एच वाई, ये भी तो हो गया, और ये एरिया आपको ए दिया हुआ है दिस इज 2hy, तो y बराबर हो गया हाफ 2a बाई एच, और h की वैल्यू कितनी आई है ये आई है, तो रख दो यहां पर 2a अपॉन अंडर रूट बी 4 प्लस 4a स्क्वायर बाई बी, ये b ऊपर आ जाएगा 2ab अपॉन अंडर रूट बी 4 प्लस 4a स्क्वायर, आंसर क्या हो गया a ऑप्शन, राइट right. तो इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन लेंड्स रुपीज 12,500 एट 12% फॉर द फर्स्ट ईयर, एट 15% फॉर द सेकंड ईयर एंड एट 18% फॉर थर्ड ईयर, इफ द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट आर कंपाउंडेड ईयरली फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीआई ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड सीआई फॉर द थर्ड ईयर। नाउ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के सीआई का डिफरेंस पूछा है, तो देखो फर्स्ट ईयर में तो बहुत आसान है, इंटरेस्ट बराबर 12,500 इंटू 12 बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 1500 रुपए, एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1500 हो गया। अब हम देखते हैं तीन साल के लिए कैसे करेंगे, देखो एक तरीका तो ये होगा कि आप अगर ये 1500 रुपए है तो हम सेकंड ईयर का अमाउंट निकाल लेते हैं, सेकंड ईयर का अमाउंट क्या होगा 12,500 तो आपका ये अमाउंट था, और पहला रेट है 12% 112 बटे 100, दूसरा रेट है 15% 115 बटे 100, ये दो जीरो कैंसिल कर दो, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, और 4 से 4 8 और 4 8 32, तो दिस इज 5 इंटू 28 इंटू 115, ये कितना हो गया 140 इंटू 115, अब ये हो गया 0, 14 5 जा 77, 12 16 100, नाउ दिस इज प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, नाउ थर्ड ईयर इंटरेस्ट, तो देखो ये प्रिंसिपल हो गया 16,100 अपॉन 100 और रेट कितना 18%, तो ये हो गया 18 1 18 9 2 8, तो ये हो गया इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, ये हो गया इंटरेस्ट फॉर वन ईयर, तो डिफरेंस कितना हो गया इन दोनों का 1398, आंसर इज बी ऑप्शन। कई तरीके हो सकते हैं, आप इफेक्टिव रेट से भी कर सकते हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी इज शोन बिलो, बीडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बीडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड, नीचे दिए गए त्रिभुज एबीसी में बीडी एंगल बाइसेक्टर है, निम्न कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखो यहां रूल होता है, अगर हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये रेशियो इस रेशियो के बराबर होता है, तो वी कैन से दैट वाई अपॉन 2x इज इक्वल एक्स अपॉन एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, वाई इज इक्वल 2x, आंसर इज ए ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एंड एस इंटरसेक्ट एट टी, फाइंड एंगल पी टी। देखो यार ये जो एंगल होगा ये बाइसेक्टर, ये एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, इधर ये वाई, और हम जानते हैं पैरेललोग्राम में इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो 2x प्लस 2y 180 हो गया, यहां से x प्लस y कितना आ गया 90, और अगर ये x प्लस y 90 है तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, आंसर इज सी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 60% ऑफ अ क्लास आर बॉयज एंड 25% ऑफ द बॉयज आर एटलीस्ट 5 फीट टॉल, इफ 25% ऑफ द गर्ल्स आर लेस देन 5 फीट टॉल, वॉट इज द फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास हु आर एटलीस्ट 5 फीट टॉल। एक कक्षा में 60% छात्र हैं तथा एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं तथा 25% छात्र में से प्रत्येक कम से कम 5 फुट लंबा, यदि 25% छात्र हैं 5 फुट से छोटी हैं, तो उन विद्यार्थियों का आंसर याद करें जो कम से कम 5 फुट लंबे हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं 100 स्टूडेंट क्लास में जिसमें 60 बॉयज हैं,
और 40 गर्ल्स हैं, हमको पूछा है हु आर एटलीस्ट 5 फीट टॉल, कम से कम मतलब 5 फीट से कम पूछा है, तो यहां बोला है 25% ऑफ द बॉयज आर एटलीस्ट 5 फीट टॉल, तो इसका 25% कितना हो गया 15, और 25% गर्ल्स आर लेस देन 5 फीट टॉल, तो इसका 25% हो गया 10, तो टोटल सम कितना हो गया, पर जो ये 10 आया ये वो लड़कियां हैं जो 5 फुट से छोटी, हमको एटलीस्ट कम से कम 5 फुट चाहिए, तो इसका हम 75% जो कि 30 होगा, तो 30 गर्ल्स हैं जो कि 5 फीट से कम 5 फुट लंबी है, और 15 बॉयज हैं जो कम से कम 5 फीट लंबे हैं, सो टोटल हमें निकालना है फ्रैक्शन, तो टोटल नंबर कितना हो गया 45 जो कि 5 फीट कम से कम टॉल है, और अपॉन 100, तो 9/20 आंसर इज ए ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके नेक्स्ट, अ सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट एसआई अमाउंट टू ₹616 आफ्टर 2 इयर्स एंड टू 715 आफ्टर ए फर्दर पीरियड ऑफ 3 इयर्स, फाइंड द सम एंड द रेट पर्सन. देखो 616 कितने साल में हुई, 2 साल में, और 715 हुई 3 साल और, तो इनको डिफरेंस ले लो 616 और 715, तो ये डिफरेंस कितना होगा 9 और 9 99, सो 99 है इंटरेस्ट 3 इयर्स का, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया 33, सो 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 66. अब हमारे पास 616 क्या है, ये प्रिंसिपल है प्लस 2 साल का इंटरेस्ट, तो ये जो 66 आया सबट्रैक्ट कर लो, तो 6550 इज अवर प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल 550, तो ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते. अच्छा, अब 550 प्रिंसिपल पर रेट आर के हिसाब से एक साल का इंटरेस्ट 33 आ रहा है हमारा, तो रेट वुड बी 33 × 100/550, तो जीरो कैंसिल हो गया, 11 3 जा 11 5 जा 5 2 जा 6% रेट, तो आंसर क्या हो गया डी ऑप्शन. ठीक है, बस इसमें तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, तो पीरियड के हिसाब से आप इंटरेस्ट निकालोगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है. नाउ एन आयरन बॉल ऑफ डायमीटर 6 इंचेस इज ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 1 फीट फिल्ड विद वाटर, फाइंड द राइज इन वाटर लेवल. तो देखो जब हम इस तरह से डालेंगे कोई भी बॉल, तो जो ये जो हिस्सा दिखाया गया ये वाटर लेवल राइज होगा, और इसका वॉल्यूम क्या होगा जो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा. नाउ वॉल्यूम ऑफ राइज वाटर, पानी का जो लेवल बढ़ेगा वो केवल इस बॉल के कारण बढ़ेगा, इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बॉल. राइट, नाउ वॉल्यूम ऑफ राइज वाटर, हाइट एच है, रेडियस वही होगी जो इस वेसल की रेडियस है, सो सिलेंडर वेसल ऑफ 1 फीट, तो अगर डायमीटर 1 फीट और रेडियस होगी 6 इंचेस, तो पाई, अब क्योंकि ये जो फिगर दिख रही है ये सिलेंडर बनेगा, पाई 6² × h इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बॉल, दिस इज 4/3 पाई, अब इसकी रेडियस कितनी है, डायमीटर 6 इंचेस, तो रेडियस 3 हो जाएगा, 3³, तो 1 3 से स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कैंसिल हुआ, h वुड बी 4 × 9/36 और 1 इंचेस, सो लेवल ऑफ वाटर विल राइज बाई 1 इंच, आंसर इज डी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टार इज 60 फीट, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ हाइयर टार टू द टॉप ऑफ शॉर्टर वन इज 60 डिग्री, इफ द हाइट ऑफ द हाइयर टार इज 150, फाइंड द हाइट ऑफ द अदर टार. देखो भाई ऐसे आपके पास दो टार है, इसकी हाइट है, ये डिस्टेंस 60 दी है, नाउ इज द हाइट ऑफ द हायर, ये 150 दिया हुआ है, और यहां से हमने देखने पर द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप, टॉप से देखने पर इसके टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री आता है, तो आप इसको ज्वाइन कर दो, ये 60 होगा क्योंकि नीचे 60 है, नाउ दिस एंगल इज 60, दिस वुड बी 60, दिस वुड बी 30, तो 30 के आगे 60, तो इस 60 के आगे क्या होगा 60√3, तो ये लेंथ कितनी बचेगी 150, टोटल में से 60√3 सबट्रैक्ट कर दो, आंसर इज बी ऑप्शन. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ ₹3,115 इज डिवाइडेड अमंग एबीसी सो दैट इफ ₹25 and ₹28.50 टू बी डिमिनिश्ड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव शेयर द रिमाइंडर विल बी इन द रेशियो 8, 15 and 20, लेट्स से देयर शेयर इज एक्स वाई एंड जेड, नाउ इफ यू सब्ट्रैक्ट 25, 28 and 52 द सम आर इन द रेशियो दिस, और हमको सी का पार्ट पूछा हुआ है, ये वाला पार्ट पूछा, इसका मतलब अगर मैं गिवन ऑप्शन में 52 ऐड कर दूंगा, या जो गिवन ऑप्शन में अगर मैं 52 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 20 का मल्टीप्लाई है, केवल एक ऑप्शन में ऐसा हो रहा है. देखो 1452 में अगर 52 माइनस करूंगा 1400 हो, जो कि 220 जा रहा है, अगर मैं यहां माइनस 52 करूंगा तो ये 8 आएगा जो कि 20 से नहीं जाएगा, मतलब एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो ये तीन ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, केवल आंसर क्या है ए ऑप्शन. अच्छा वैसे कैसे करेंगे,
अगर एक्स माइनस 25 एट ए है, ये 15 ए है, ये 20 है, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 8 ए प्लस 25, वाई की वैल्यू क्या आएगी, 15 ए प्लस 28, जेड की वैल्यू क्या आएगी, 20 ए प्लस 52, इनका सम 8 ए प्लस 25 प्लस 15 ए प्लस 28 प्लस 20 ए प्लस 52, दिस वैल्यू इज इक्वल 3115। अब सॉल्व कर लो, आपका ए आ जाएगा, आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि आपका आंसर सही है, लेकिन तरीका यही होगा, आपको निकालना क्या है, पहले ए निकालोगे फिर यहां पर 52 ऐड करोगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम श्याम एंड घनश्याम इन्वेस्ट रुपीज 2000 10000 5000 टू सेट अप अ स्टॉल, राम गेट्स 15% ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर रनिंग द स्टॉल, इन अ ईयर राम गेट्स 500 लेस देन द श्याम, इफ इन अ ईयर राम गेट्स 500 लेस देन श्याम एंड घनश्याम टुगेदर, देन द टोटल प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर इज, देखो यार अगर हम बात करते हैं 2000 10000 एंड 5000, तो इनका जो रेशियो प्रॉफिट होगा वो होगा 2:10:5, लेट्स से टोटल प्रॉफिट इज एक्स, इसका 15% तो राम को मिल गया क्योंकि वो बिजनेस संभाल रहा है, तो अब रिमेनिंग बचा 0.85x, नाउ दिस प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन दीज 2%, दीज 3%, तो देखो यहां पे बोला है इफ इन अ ईयर राम गेट्स 500 लेस देन श्याम एंड घनश्याम टुगेदर, तो श्याम और घनश्याम को मिलेगा 15/17 ऑफ 0.85x, ये तो होगा, और राम को मिलेगा 2/17 ऑफ 0.85x प्लस 0.15x, जो इसको 15% एक्स, इनका डिफरेंस कितना है 500, राइट। ये अब यहां से एक्स सॉल्व कर लोगे, अच्छा यहां से देखो ये 17 से 0.5 टाइम जाएगा और ये भी 0.5 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.75x माइनस 0.1x माइनस, बल्कि ये हो गया 0.25, कर लो इसको जोड़ लो आप इसमें भाई, ये 0.1 प्लस 0.15, 0.25x इज इक्वल 500, तो दिस इज 0.5x इज इक्वल 500, बल्कि 0.75, हाँ 0.5x, तो x कितना हो गया 1000, तो प्रॉफिट टोटल कितना हुआ 1000, आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ बैग देर आर 50 पैसा कॉइन्स 25 पैसा कॉइन्स एंड रूपी कॉइन्स प्रोपोर्शनल टू द नंबर 3:4:5/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर लो 6:8:5, दिस इज द रेशियो 50 पैसा कॉइन 25 पैसा कॉइन और रुपीज 1 कॉइन एंड टोटल अमाउंट इज 210, फाइंड द नंबर ऑफ रूपी कॉइन, मीन्स हमें 5 का मल्टीपल देखना है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर इज बी ऑप्शन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम रूपी कॉइन की बात कर रहे हैं, आप इसको ऐसे करो, आप देखो यहां पे एक ही ऑप्शन मिला हमें, हमने सॉल्व कर दिया, फिर भी चेक कर लेते हैं, हमने ये देखा कि हमें 105 है जो 5 का मल्टीपल है, तो 5 में कितना मल्टीप्लाई करें 21, तो यहां भी 21 करो, दिस इज, और यहां पे करो, अच्छा 105 अगर 1 रुपए कॉइन है तो उसका अमाउंट होगा 105, 25 पैसे कॉइन है 168, तो उसको 4 से डिवाइड कर लो, 4 जा 4 2 जा, और ये 50 पैसा 2 से डिवाइड कर लो, अगर 126 कॉइन्स 50 पैसा के हैं तो रुपीज कितना होगा 63, इनको ऐड करो 0 210, यस विच गिव्स अस 210, आंसर इज बी ऑप्शन। अगर कोई दो ऑप्शन भी तो भी हम यही करते, किसी एक को लेते उससे अमाउंट अगर इक्वल आता तो ठीक, नहीं तो फिर अगला आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन बी माइनस साइन ए, साइन बी माइनस साइन ए, अच्छा देखो यहां पर हम लगाएंगे साइन रूल, अगर ये एंगल आपका बी एंगल है, ये ए है, ये साइड दे रखी है, तो साइन बी अपॉन 16 इज इक्वल साइन सी जो कि 30 है अपॉन 12 इज इक्वल साइन ए अपॉन 10, तो पहले इन दोनों को ले लो, साइन 30 1/2, तो साइन बी कितना हो जाएगा 16/24 और 8/2/3, राइट। इधर इन दोनों को लेते हैं, अब हम साइन ए इज इक्वल 10/24 और 5/12, राइट। हमको पूछा है साइन बी माइनस साइन ए, सो साइन बी माइनस साइन ए इज इक्वल 2/3 - 5/12, एलसीएम आ गया 12, 8 - 5 और 3/12 और 1/4 और 0.25, आंसर इज डी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस ऑफ प्रिज्म इज ट्रायंगल विद साइड 12, 15 एंड 17, इफ वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज 110√7, देन फाइंड द हाइट। नाउ इंपॉर्टेंट ये होता है, देखो यहां पर जो साइड रखे हैं वो डिफरेंट साइड्स हैं और हमारा प्रिज्म कुछ ऐसा हो गया, ये प्रिज्म ऐसा हो गया हमारा,
ठीक है, ऐसा कुछ प्रिज्म है। नाउ इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ प्रिज्म इनटू हाइट। अब वॉल्यूम तो आपको दे रखा 110√7, अब एरिया निकालना, तो देखो ये साइड दे रखी है आपको 12, 15 एंड 17, तो एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से। एस कितना होगा 12 + 15 + 17/2, ये कितना हो गया 44/2 और 22। सो इसका एरिया हो गया अंडर रूट 22 - 12, 22 - 15 एंड 22 - 17, तो ये हो जाएगा कितना 22 × 10 × 7 × 5। सो देखो भाई यहां से देखो 5 2 जा ये भार होगा, 2 से 2 4 जा, तो 10 भार हो गया, अंदर क्या बचेगा 11 × 7, राइट। तो एरिया हो गया 10 × √11 × √7 और हाइट हमें निकालनी है, तो रूट सेवन कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा एच इज इक्वल, एक जीरो काट दो, 11/√11 और वी कैन से दैट हाइट इज √11। आंसर इज डी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मर्चेंट हैज 50 केजी ऑफ सुगर, पार्ट ऑफ विच इज सेल एट 8% गेन एंड द रेस्ट एट 18% गेन, ही गेन्स 14% ऑन द होल, फाइंड द क्वांटिटी सोल्ड एट 18%। देखो सिंपल सी बात है, लेट ही सोल्ड एट 18% प्रॉफिट एक्स केजी, तो एक्स अपॉन 50 का 18% रिमेनिंग 50 - x / 50 एट रेट 8% ओवरऑल प्रॉफिट 14%। नाउ इस 50 को इधर ले आओ, दिस इज 18x + 400 - 8x = 700, सो दिस इज 10x = 300, तो x इज इक्वल 30 केजी। आंसर इज सी। देखो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट होता है, मैंने अपने वीडियोज में डिस्कस किया हुआ, क्लास में पढ़ाया जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 100 km/h, अ मैन स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ द ट्रेन रन फ्रॉम वन एंड टू ऑफ द ट्रेन टू द अदर एट ए स्पीड ऑफ 20 km/h इन द सेम डायरेक्शन एज द ट्रेन, हाउ मेनी सेकेंड विल ही टेक टू रीच द अदर एंड। तो देखो भाई एक ये ट्रेन है, इट इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 100 km/h एंड अ बॉय ऑन दिस ऑल्सो रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 km/h एंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 100 मीटर। अब देखो यहां पर एक कंफ्यूजन आप लोगों को यह हो सकता है कि ट्रेन भी चल रही है आदमी भी चल रहा है, तो अब हम क्या रिलेटिव स्पीड का यूज करें। देखो इंपॉर्टेंट यह होता है इन क्वेश्चंस में, जब आदमी ट्रेन के ऊपर है और वो परमानेंट ट्रेन के कांटेक्ट में, तो ट्रेन की स्पीड काउंट नहीं होगी, वो उसको ट्रेन की पूरी पूरी लेंथ चलनी पड़ेगी, उस बंदे को उसकी स्पीड 20 km/h। तो यहां पर आपको केवल और केवल आदमी की स्पीड लेनी है, अगर ये आदमी बाहर होता ट्रेन के तो फिर हमें दूसरी कंडीशन लेनी पड़ती। सो आपको कोई भी कंफ्यूजन रखना है इस क्वेश्चन में, अगर आदमी ट्रेन के ऊपर बैठ के चल रहा है तो उसकी जो टाइम होगा ट्रेन को, उसकी पूरी लेंथ आएगी ट्रेन की डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड ऑफ पर्सन 20 किलोमीटर, तो इसको 5/18 कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज, अच्छा ट्रेन की लेंथ 150 है, तो दिस इज 150/100, एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 2 जा 5 3 जा 2 9 जा, 27 सेकेंड। सो पर्सन विल टेक 27 सेकेंड टू क्रॉस द ट्रेन कंप्लीटली। ओके 6, अ टॉय हैज ए हेमिस्फेरिकल बेस एंड ए कोनिकल टॉप एज शोन इन द फिगर, द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द कोन इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। देखो ये आपका एक कोन है और नीचे एक हेमिस्फेयर है, सो नीचे आपका हेमिस्फेयर है ऊपर कोन है, तो वॉल्यूम क्या होगा इस फिगर का, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 πr³ प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h। नाउ पाई बाई थ्री कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 2r³, r रेडियस है 4, तो ये जाएगा 64 प्लस r²h, r हो गया 16 और h है 10, तो 160 हो गया। सो दिस इज π/3 × ये हो गया 288, सो 3 9 जा 3 6 जा, सो दिस इज 3.14 × 96, तो ये वाली आएगी 301.44। अप्रोक्सीमेट आंसर क्या हो गया 302, हमें क्लोज आंसर पूछा था ना, तो सबसे पास का आंसर 302 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीटा एंड फाई आर कॉम्प्लीमेंट्री, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री वजह आ जाए, थीटा को मान लो 30, फाई को मान लो आप 60, हमें निकालना है 10²θ + − cot²φ। तो 10²θ 1/√3² - cot²60 1/3, आंसर क्या हो गया 0। तो अब आपको कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, आपको सीधे आंसर 0 मार्क करना है, ज्यादा इसमें सॉल्व नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन ए लेफ्ट कोलकाता फॉर चेन्नई एट 10:30 AM, अनदर ट्रेन बी लेफ्ट कोलकाता फॉर चेन्नई एट 12:30
PM at a speed of 80 km per hour on the same day. If they meet at a distance of 480 km from Kolkata, what is the speed of train A? So, dekho, train A chalti hai 10:30 par. Let's say its speed is X. And train B chalti hai from Kolkata at 12:30 with speed 80 km per hour. और ये क्योंकि दो घंटे बाद चलती है तो ये ट्रेन जो पहली ट्रेन थी इट विल कवर 2x डिस्टेंस इन दिस टाइम और ये चल रही है x स्पीड से ये चल रही है 80 से. सो इफ दे मीट एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर फ्रॉम कोलकाता, इसका मतलब ये जो बी ट्रेन होगी ये 480 किलोमीटर चलने के बाद इससे मिलेगी. तो हम पहले निकालते हैं टाइम कितना लगेगा. तो टाइम टेकन टू मीट वुड बी 480/80, 6 आवर्स बाद मिलेगी. मतलब इन ये जो ट्रेन है इस ए ट्रेन को 6 आवर्स बाद मिलेगी. डिस्टेंस 2x है तो डिस्टेंस 2x अपॉन स्पीड, रिलेटिव स्पीड 80 माइनस x, क्योंकि इसकी स्पीड x मानी है मैंने, इज इक्वल 6 आवर्स. सो ये हो जाएगा 3, x इज इक्वल 240 माइनस 3x, 4x इज इक्वल 240, सो x इज इक्वल 60. सो स्पीड ऑफ द सेकेंड फर्स्ट ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर. आंसर इज डी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. अ शॉपकीपर सेल्स अ ट्यूब लाइट एंड अ बल्ब ईच एट ₹20. हाउएवर द बल्ब इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% व्हाइल द ट्यूब लाइट इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15%. फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट लॉस टू द शॉपकीपर. देखो अ शॉपकीपर सेल्स अ ट्यूब लाइट एंड बल्ब ईच एट ₹20. हाउएवर द बल्ब इज सोल्ड इज, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो अगर सेलिंग प्राइस सेम हो, एक पर प्रॉफिट हो एक पर लॉस हो, तो ओवरऑल हमेशा प्रॉफिट होता है, ओवरऑल हमेशा लॉस होता है. और ये होता है एक्स स्क्वायर बाई 100. So 15 into 15 square by 100. So overall loss is 2.25%. अब देखो उसको loss तो होगा 2.25 का, ठीक है. यहां पर एक बहुत important बात समझनी है. इसको देखो, आप इसको देखो 225 by 100 और ये 25 से 9 by 25 से 4 by 9/4% का loss और 9/400 loss, fraction में बोल सकते हैं. ₹400 में उसको ₹9 का loss होता है. इसका मतलब अब हमारा आंसर वो आएगा फ्रैक्शन में आएगा, ₹400 में ₹9. अगर सीपी 400 है तो लॉस है 9, उस केस में एसपी कितनी होगी 391, राइट. भाई 400 की चीज आपने 9 लॉस में बेची, आपको 391 एसपी होगी. इसका मतलब वी कैन से दैट इफ एसपी इज 391 देन लॉस इज 9 इफ एसपी इज 40, क्योंकि देखो दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ₹20 है एक ऑब्जेक्ट की सेलिंग प्राइस. सो 40 पर 9 इंटू 40 अपॉन 391 और वी कैन से दैट दिस इज 360/391, लॉस इज ऑफ 360 ऑफ 391, ए ऑप्शन. अदरवाइज आप इस क्वेश्चन पर लंबा जाते हैं, आपको पूरी वैल्यू कैलकुलेशन करनी पड़ती, फॉर्मुला रखने की जरूरत नहीं, आपको लॉजिकल समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि फॉर्मुले कहां तक लर्न करोगे आप लोग. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. A shopkeeper wants to earn a profit of 20% on his goods, but for marketing purpose, he has to allow a discount of 5% to all his customer. By what percent above the cost price must he mark? तो percentage above एक formula होता है. This is profit percent plus discount percent upon 100 minus discount percent into 100. Now profit percent है 20%, discount है 5% का, upon 100 minus 5 into 100. This is 25 into 100 by 95. So 5 जा 519 जा, दिस इज 500 बाई 19, तो ये हो जाएगा 19 2 जा 38, 120, 19 5 जा 25 पॉइंट समथिंग. तो हमें पूछा अप्रोक्सीमेट, तो अप्रोक्सीमेट में हम अच्छा 120 में 26 पॉइंट समथिंग होगा. अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबर 71, थ्री स्मॉल सिलेंडर ऑफ इक्वल हाइट आर मेड फ्रॉम अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 1. तो देखो भाई, अगर ये रेडियस r है और ये हाइट 6 है, देखो इसमें r की इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं r. ये इसको मैंने 3 से कर दिए, इसकी हाइट होगी 2, इसकी हाइट होगी 2, इसकी हाइट होगी 2. सो टोटल सरफेस एरिया जो भी होगा उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इंक्रीमेंट होगा वो क्या होगा, वो इतने हिस्से का तो इंक्रीमेंट होगा. एक पाई आर स्क्वायर ये, एक पाई आर स्क्वायर ये, एक कट में दो पाई आर स्क्वायर बढ़ जाता है, तो एक इधर से हो जाएगा. अब ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट कट है, जो इंक्रीज होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर इंटू 4, और नीचे टोटल एरिया क्या रहा होगा, पहले 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर. दिस इज वॉट वी हैव टू कैलकुलेट. अब हम देखो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये पाई कट गया, एक आर कट गया, 2 से 2 कट गया, तो दिस इज 2r अपॉन एच प्लस आर. दिस इज वॉट परसेंटेज इंक्रीज, जितना जल्दी आप ये समझ जाओगे उतना अच्छा है. 2 into 1 by 2 h 6 plus 1 by 2 into 100.
सो दिस इज 1 अपॉन 13 बाई 2 इंटू 100 और दिस इज 200 बाई 13 13 वन जा 13 और 70 13 5 जा 15 पॉइंट समथिंग तो आंसर इज ए ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर एंगल ए ई बी दिस इज 90 एंड रे बी जी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी. ओके इसका बाइसेक्टर है. रे डी एफ इज पैरेलल टू साइड बी सी. फाइंड ए एफ ये रेशियो इज टू एफ सी. ओके हमें ये पूछा हुआ है तो देखो कैसे करें. नाउ देखो इसमें ये बोला हुआ है कि पहली बार हम देखते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर बोला तो ये एंगल एक्स मान लो ये भी एक्स होगा. अब क्योंकि पैरेलल तो ये भी एक्स हो जाएगा इस हिसाब से ये साइड इक्वल हो गई. ठीक है अब ये एंगल कितना होगा 2x और ये एंगल कितना होगा 90 - x राइट क्योंकि ये पूरा 90 है ना. अब हम क्या कर सकते हैं ये एंगल कितना होगा 180 - 2x. अब मान लो ये एंगल थीटा है तो थीटा प्लस 90 - x ये एंगल और ये एंगल का सम इज इक्वल 180 - 2x 90 - x तो ये वैल्यू हो जाएगी थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90 - x. इसका मतलब ये 90 - x ये भी 90 - x आ गया. तो अगर मैं ये डायग्राम दोबारा बना लेता हूं देखो मैंने क्या आपको अभी प्रूफ करके दिखाया. मैंने प्रूफ किया ये एंगल थीटा जो कि एंगल इसी के बराबर आ गया ये एंगल बराबर आ गया 90 - x जैसे 90 - x तो ये साइड इसके इक्वल और मैंने यहां भी प्रूफ किया ये एंगल x तो ये भी x प्रूफ किया तो ये भी साइड बराबर. इसका मतलब AD इज इक्वल DB और अगर AD इक्वल DB तो D इज द मिड पॉइंट और ये पैरेलल है तो मिड पॉइंट थ्योरम से अगर ये पैरेलल और मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है तो ये F भी मिड पॉइंट होगा. हेंस AF इज टू FC 1:1. आंसर इज बी ऑप्शन. बहुत बढ़िया क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट था. नेक्स्ट क्वेश्चन. पाइप ए कैन फिल अ सिस्टर्न इन 36 मिनट एंड बी इन 48 मिनट इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर व्हेन शुड पाइप बी क्लोज सो दैट द सिस्टर्न मे बी जस्ट फिल इन 24 मिनट. पाइप ए टंकी को 36 मिनट भरता है तथा पाइप बी उसे 48 मिनट में भरता है. ये दोनों पाइप के साथ खोल दिए जाए तो ज्ञात कीजिए कि पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए जिससे पूरा टैंक 24 मिनट में भर. देखो भाई ए भरता है 36 मिनट में बी भरता है 48 मिनट में इनका एलसीएम कितना हो गया 144. ये हो गया 4 बार ये हो गया 3 बार. तो बोला है व्हेन शुड पाइप बी क्लोज सो दैट द सिस्टम मे बी फुल इन 24 मिनट. इसका मतलब बी को क्लोज किया ए तो 24 मिनट चला होगा तो ए ने 24 के हिसाब से 96 फिल कर दिया होगा. अब बाकी किसने फिल किया होगा बाकी इसने फिल किया होगा तो 144 से 96 माइनस कर दो 48. इसका मतलब बी ने 48 भरा होगा डिवाइड बाय 3 कर दो तो 16. इसका मतलब 16 मिनट बाद बंद कर दें तो हमारा टैंक 24 मिनट में भर जाएगा. आंसर इज डी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ए कॉलोनी देर आर 30 मैन 25 वुमेन एंड 15 चिल्ड्रन. द एवरेज वेट ऑफ द मैन इज 60 केजी दैट ऑफ वुमेन इज 50 केजी वाइल दैट ऑफ चिल्ड्रन इज 40. फाइंड द एवरेज वेट ऑफ इंटायर कॉलोनी. देखो यार 30 मैन है 25 वुमेन है 15 चिल्ड्रन है इनका एवरेज वेट है 60 वुमेन का एवरेज वेट है 50 एंड चिल्ड्रन का एवरेज वेट है 40. मान लेते हैं तो उनके बीच में एवरेज वेट 50 है इंटायर ग्रुप का. कितने लोग हो गए 70 लोग. तो देखो ये कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है और इसकी वैल्यू कितनी 30. ये 0 ज्यादा कम है और ये 10 कम है इंटू 15 तो नेट इफेक्ट हो गया दिस इज 300 - 150 तो नेट इफेक्ट हो गया 150 और ये हो गया प्लस का अपॉन 70 करोगे टोटल सम 17 है. या आप एक काम कर सकते हो इसमें चलो ऐसे कर लेते हैं तो ये जाएगा 2.14 इतना ज्यादा करना तो इसको 2.14 ऐड कर दो 52.14. आंसर इज ए ऑप्शन. ये शॉर्टकट है बहुत मैंने यूट्यूब पे कई बार वीडियो डाली है इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट होता है एवरेज का. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द फिगर स्क्वायर एबीसीडी इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स ऑल हैविंग सेम एरिया टी इज द सेंट्रल पार्ट इज सर्कुलर एंड लाइन ए बी एफ सी जी डी एच लाई अलोंग द डायगोनल्स ए सी बी डी ऑफ द स्क्वायर इफ लेंथ ऑफ ए बी इज 11 फाइंड रेडियस सर्कल ऑफ सेंट्रल पार्ट. ओके वी हैव टू कैलकुलेट दिस. तो देखो भाई अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं इस पार्ट की बात करते हैं तो ये 90 डिग्री एंगल होगा. देखो हम जो कर रहे हैं पूरा हम नहीं करेंगे केवल एक पार्ट लेंगे और एक पार्ट से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ये 11 और ये आपका एक सर्कुलर पार्ट है ये एंगल 90 डिग्री है. ठीक है तो देखो मैं क्या करूंगा ये जो एरिया है ये चारों पार्ट के एरिया इक्वल है मतलब ये टोटल एरिया ये एरिया ये सब इक्वल एरिया है. तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो अगर रेडियस ये अच्छा ये पूरा 11 है मान लो ये रेडियस आर है मुझे आर ही कैलकुलेट करना तो ये हिस्सा कितना होगा अगर ये 11 है तो टोटल डायगनल एसी कितना होगा
11 रूट टू, तो ये हो जाएगा 11 रूट टू बाई टू, इतना हिस्सा, तो ये हिस्सा बचेगा 11 रूट टू बाई टू माइनस आर, ठीक है, ये हिस्सा। अब एरिया ऑफ दिस पोर्शन, ये पोर्शन होगा 90 बाई 360 पाई आर स्क्वायर बाई, ये हो गया आपका इतना एरिया। और इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि हमको जो टोटल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये जो हिस्सा आया ये 1/4 है पूरे सर्किल का, तो इसको मैं 4 टाइम्स कर देता हूं जिससे वो इक्वल हो जाए, एंड दिस एरिया इक्वल एरिया ऑफ दिस पोर्शन। तो अब एरिया ऑफ दिस पोर्शन क्या निकलेगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 11 रूट टू बाई टू, तो इसका एरिया हो गया हाफ 11 रूट टू बाई टू, या आप ऐसा कर सकते हो 11 स्क्वायर बाई 4 कर सकते हो, है ना, इसको मिटा देता हूं भाई, पूरा एरिया 11 स्क्वायर बाई 4, तो 121 बाई 4 माइनस माइनस इतना हिस्सा, तो हमारा ये हिस्सा जाएगा 90 बाई 360 पाई आर स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करेंगे, देखो ये 1 बाई 4 हो जाएगा, ये 4 से 4 कटा, तो दिस इज पाई आर स्क्वायर इज इक्वल 121 बाई 4 माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4, अब इसको इधर शिफ्ट कर लो तो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल 121 बाई 4, तो ये 4 कैंसिल हो गया, पाई पर आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 बाई 3 पाई, तो आर हो जाएगा 11 बाई रूट 3 पाई, ओके, ये प्लस होगा यार 5 पाई होगा यहां पर, ये जाएगा प्लस होगा, तो ये 5 पाई हो जाएगा 11 बाई रूट 5 पाई, आंसर इज ए ऑप्शन, ओके। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करना है, सीधे सीधे वैल्यू पे काम करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ 15 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद वॉटर, सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर ड्रॉप 1/1 इनटू इट, द स्फीयर आर ड्रॉप्ड अंटिल द वॉटर लेवल इन द वेसल राइजेस बाय 8 सेंटीमीटर, देन हाउ मेनी सॉलिड स्फीयर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। देखो अगर उसकी रेडियस 15 है और सिलेंड्रिकल है, तो आपका माना पानी यहां तक भरा, जब आपने वेसल्स में ये स्फीयर डाले तो इसका हाइट 8 सेंटीमीटर हाई हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ राइज वॉटर जो पानी चढ़ा इज इक्वल एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ राइज वॉटर इसकी रेडियस कितनी है 15, तो पाई 15 स्क्वायर इंटू एच 8 एन इंटू वॉल्यूम ऑफ 4 बाई 3 ये स्फीयर डालना पाई आर क्यूब, इसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, डायमीटर 6 तो 3 क्यूब, तो 1 3 काट दो स्क्वायर बचेगा, अच्छा पाई से पाई कैंसिल कर दो, तो 225 इंटू 8 अपॉन 4 इंटू 9, तो ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 25 टाइम्स एन, तो एन की वैल्यू होगी 50, तो 50 स्फीयर आपने डाले गए, ए ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन वॉज फाउंड आउट टू बी 65 बट लेटर इट वॉज फाउंड डेट 69 वन मिसरीड एज 96, करेक्ट वैल्यू 69 और रॉन्ग वैल्यू जो आपने मिसरीड कर दी होगी 96, इनका आप इसका मतलब आपको लिखना था 69 में 96, कितना ज्यादा लिख दिया आपने, सब्ट्रैक्ट कर दो 7 एंड 2 27 ज्यादा लिख दिया, आपको घटाना है तो आप 65 से डिवाइड करो 20 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 1.35, इतना आप घटा दो तो 65 में से 1.35 माइनस करना है तो यह जाएगा 005 और 6 63.65, करेक्ट मीनिंग 63.65, आंसर इज ए ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए परचेज ए कार फ्रॉम ए शोरूम एट रुपीज 5 लाख, ही सोल्ड टू बी एट ए लॉस ऑफ 15%, हु सोल्ड सी एट ए लॉस ऑफ 10%, हु सोल्ड इट टू डी एट ए लॉस ऑफ 18%, हु सोल्ड इट टू ई एट ए प्रॉफिट ऑफ 11%, फाइंड ई सी पी। देखो 5 लाख की चीज का पहले बार में प्रॉफिट कितना है, लॉस है 15%, तो 0.85, उसके बाद सी को दिया एट ए लॉस ऑफ 10% 0.9, फिर उसने डी को दिया 0.82 का, फिर उसने ई को दिया प्रॉफिट पर 1.11, इसका प्रोडक्ट ही हमारा आंसर होगा, राइट। अब मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है, देखो यहां पर 9 आ रहा है, तो देखो कौन सा ऑप्शन 9 का मल्टीपल है, 819549 एंड दिस इज मल्टीपल ऑफ 9, 729549 दिस इज मल्टीपल ऑफ 9, दिस इज 639 दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9, नाउ दिस इज 549 दिस इज 32 दिस इज नॉट अ मल्टीपल, तो वहां पर दो ऑप्शन तो कट गए जब उन्होंने कहा 5 के मल्टीपल है, अच्छा उसके बाद यहां पर एक चीज नोटिस करो, 1 2 3 4 5 डेसिमल, दो ये गए 3 और 2 4,
पांच, ये पांच जैसे नट गए तो बचेगा 5 × 85 × 82 × 1.11। अच्छा 5 × 82 करोगे तो एक डेसिमल बचा जाएगा, मतलब इसको मैं कर रहा हूं 85 × 41 × 10 × 1.11। तो 10 से इसका डेसिमल हटा के इसको कर लो 85 × 41 × 11.1। अब देखो 5 बन गया 1 और आखिरी में 5 आने वाला है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। हम पूरा मल्टीप्लाई ना करेंगे और ना आपको सलाह देंगे कि आप मल्टीप्लाई करो, सिंपल अप्रोच आनी चाहिए कैसे हम आंसर निकाल दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्काउंट ऑफर इन बाय 5 गेट 2 फ्री। नाउ डिस्काउंट परसेंट फॉर्मूला होता है फ्री अपॉन टोटल इंटू 100। फ्री कितना हो गया 2/7 × 100, क्योंकि आपने 5 लेने पर आपको 2 फ्री मिले तो 7 हो गया आपका। तो दिस इज 200/7, 7 × 2 = 14 and 7 = 8, 28 point। आंसर इज सी ऑप्शन। ओके नाउ अब ये बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, क्वेश्चन ये दिया है स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइन एंड लेव द स्कूल इन द बिगनिंग ऑफ ईयर फॉर 6 ईयर्स फ्रॉम 1993 to 1998। इनिशियल देखो ये जो दे रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइन एंड लेव द स्कूल इन द बिगनिंग, ये जो लाइन दिया हुआ है यहां पर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्वाइन और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट, जो व्हाइट वाला है ज्वाइन लेफ्ट है। इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इन 1992 में 1500 बच्चे थे, ठीक है। अच्छा अब देखो 90 पूछा है, ये देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इंक्रीज डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल फ्रॉम 1994 to 95 पूछा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 94 में 350 चले गए, 250 आ गए, मतलब -100, और यहां पर 100 आ गए, 500 आ गए और 4 चले गए, तो +100। हमें पूछा है 94 to 95, तो अच्छा यहां पर तो इस ईयर से यहां तक पूछा, तो 100 का इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज बाय 100, हमें एक साल का पूछा था 94 से 95, तो इस साल में 100 बच्चे बढ़ गए। आंसर इज ए ऑप्शन। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द परसेंटेज राइज फॉल इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इज हाईएस्ट। नाउ ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां पर इस केस में 94 को देखते हैं, हमें पूछा किससे, निम्न में कौन से वर्ष में छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी कमी का प्रतिशत। अच्छा छोड़ने वाले की बात करते हैं, यहां पर कितना बढ़ा है 100/250 राइट, और 2/5, ये इस ईयर का 94 का हो गया। अच्छा 95 को देखते हैं 450/350, तो 1/7, इसके लिए 2/5, इसके लिए 1/7 राइट। यहां पर देखो 96 की बात करते हैं, 96 में डिक्रीज हुआ है 100/400 या 1/4, और 97 सबसे 97 देखो 200/300 और 2/3। अब सबसे ज्यादा किसमें है, ये वैल्यू कितना है 0.4, ये कितना है 0.1 और ये वैल्यू 0.25, ये वैल्यू 0.6, तो आंसर इज डी ऑप्शन सबसे ज्यादा इसमें दिख रहा है 1997 में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट वर देयर इन द स्कूल ड्यूरिंग द ईयर 1996। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर 1500 थे, फिर आपके प्लस 50 हुए, फिर आपके यहां पर -100 हो गए, फिर यहां पर +100 हो गए और यहां पर +150 हो गए, तो देखो ये 100 प्लस कट गया, तो 200 बच्चे बढ़ गए, 1700 बच्चे हो गए, डी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज इक्वल। अच्छा यहां पर 1500, यहां पर 50 बढ़ गए तो 1550, यहां पर 100 कम हो गए तो 1450, फिर यहां पर 100 बढ़ गए 1550, तो इसका मतलब हमें पूछा ना किस ईयर में इक्वल है, तो आप देख सकते हो 93 और 95 में इक्वल है, आंसर इज डी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट 1996 अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट 1994। देखो 90 यहां पर 1500 थे, यहां पर 50 प्लस हो गए 1550, 94 में कितना हो गया 1450, क्योंकि 100 कम हुआ, यहां पर फिर 1550 हो गया, यहां पर 150 बढ़ा तो 1700 हो गया, और हमें पूछा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट 1996 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट, तो 1700 यहां पर है 96 में, और किसका पूछा 94 विच इज 1450 अप्रोक्सीमेट पूछा है, सॉल्व करते हैं, एक जीरो कट गया, 5 से 5 2 जा 5 9 जा और 5 से 20 टाइम, तो 34/29, तो ये कितना होगा 3400/29, अगर मैं 29 अगर इसको 30 मान लेता अप्रोक्सीमेट करना है तो 117 के आसपास आएगा, थोड़ा ज्यादा ही है ना उससे, आंसर इज बी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये भी बार ग्राफ है,
लाइन ग्राफ है. द फॉलोइंग ग्राफ शोज द परसेंटेज ग्रोथ इन पॉपुलेशन ऑफ सिक्स स्टेट फ्रॉम 1998 टू 1999 एंड 1990 टू 2000. अच्छा, ये जो ब्लैक दे रहा है 1998 टू 99 के बारे में और ये 99 टू 2000 के बारे में व्हाइट वाला. क्वेश्चन देखते हैं, पॉपुलेशन स्टेट क्यू इन 1999 वाज व्हाट परसेंट ऑफ इट्स पॉपुलेशन इन 2000. तो देखो यहां पर ग्रोथ दिखा रहा है, तो मान लेते हैं अगर 98 के यहां पर हमें और कुछ दिया नहीं है. अच्छा, इसका हिंदी लिखा हुआ है, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट क्यू इन 1999 वाज व्हाट परसेंट ऑफ इट्स पॉपुलेशन 2000. देखो 99 से 2000 में इसकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है क्यू की, 50% बढ़ी है. तो अगर 1999 में ये 100 होती तो 2000 में कितनी हो जाती, 150. और हमें पूछा है 150 100 का कितना परसेंट है इनटू 100, तो ये जीरो कट गया, 5 से 3 बाय 2, 200 बाय 3 और 66 होल 2 बाय 3, ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ओ इन द ईयर 1998 वाज 8 लाख, व्हाट वाज इट्स अप्रोक्स पॉपुलेशन देयर 2000. देखो ओ की बात करते हैं, पहला इंक्रीमेंट 80%, तो 8 लाख का 80% 1.8, फिर 1.6, इसको मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 1.6 इंटू 8, तो वैल्यू क्या 23 point something आएगी. तो आंसर इज डी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट एम एंड आर इन 1998 आर इन द रेशियो 3:2 एंड द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट एम इन 1990 वाज 126 lakhs, व्हाट वाज द पॉपुलेशन स्टेट आर इन द ईयर 2000. देखो यार, आपको बोला हुआ है 1998 में एम और आर की जो पॉपुलेशन है उनका रेशियो 3:2, तो मान लो कि ये 3x है, ये 2x है. और आगे बोला इन द पॉपुलेशन स्टेट एम इन द 1999, तो एम की पॉपुलेशन 3x थी 98 में, और 98 से 99 में एम कितना इंक्रीज हुआ, 40% इंटू 1.4 इज इक्वल 126. तो एक्स कितना हो जाएगा यहां से, 126 अपॉन 3 इंटू 1.4, ये हो गया 7 से 2 टाइम्स, 7 1 जा 7 8 जा 180 और 30, इसका मतलब एक्स के लिए 30 होगी, तो ये पॉपुलेशन हो गई 90 हो गई 60. 1998 में आर की पॉपुलेशन 60 हो गई. अब हम पूछा है पॉपुलेशन स्टेट आर इन ईयर 2000, तो आर की बात करो तो एक बार बढ़ा है 20%, एक बार 30%, तो 60 इंटू 1.3 इंटू 1.2, ठीक है, तो एक डेसिमल डालो, ये हो गया 7.2 इंटू 13, आखिरी में 6 आने वाला है, बी ऑप्शन. ठीक है, तो ज्यादा कैलकुलेशन में बचना है आपको, बस इस तरह से अप्रोक्सीमेट से भी हमें लास्ट डिजिट से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1998 द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट एन एंड पी वर इक्वल. अच्छा, 1998 में एन और पी की पॉपुलेशन इक्वल थी, एंड पॉपुलेशन ऑफ पी इन 2000 वाज 62 लाख, ये 2000 में पी की जो पॉपुलेशन थी वो थी 62 लाख, तो स्टेट एन इन द ईयर 2000. तो देखो भाई, अगर ये 62 लाख थी तो यहां पर P की वैल्यू क्या होगी, P इंटू हम बात करते हैं 24% और 24 25, 1.24 इंटू 1.25 इज इक्वल 62, यहां से P कितना हो गया 62 अपॉन 1.24 इंटू 1.25, और P बराबर N दिया हुआ है, तो N की वैल्यू होगी 62 बाई 1.24 इंटू 1.25 इन द ईयर 1998, ये N की वैल्यू आ गई. अब हमें पूछा है 2000 में, तो N का इंक्रीमेंट कितना है 40 and 20%, तो 2000 N की पॉपुलेशन कितनी होगी 62 अपॉन 1.24 इंटू 1.25 इंटू 1.4 इंटू 1.2. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करना है, तो समझो कैसे करेंगे. अब एक काम करो, दो डेसिमल हटा लो, ये दो डेसिमल, और यहां से हटा के इसको 100 और मल्टीप्लाई कर दो, 25 4 times 5 times. ठीक है, अच्छा, अब ये 4 3 जा 4 3 जा 4 1 जा 31 से 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 42 एंड 42 इंटू 8, ये हो जाएगा 336 बाई 5, तो 5 6 जा 5 7 67.2, आंसर इज डी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट एम इन 2000 वाज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन 98. अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एम मान लो 2000 में ये थी पॉपुलेशन और 1998 में एम 1998, तो आपको दिया है एम का पॉपुलेशन 40% इंक्रीज हुआ है 1.4 एंड 1.75, तो पॉपुलेशन स्टेट एम इन 2008 वाज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन 1998, तो हमें निकालना है एम 2000 अपॉन एम 1998, हमको ये निकालना है, तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू 1.75, अब ये डेसिमल हटाओ, यहां पे 1000 कर लो, तो देखो ये तो कंफर्म हो गया, ऊपर की जो वैल्यू होगी 7 का मल्टीपल होगी और 7 के दो वैल्यू है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 175 7 का मल्टीपल होता है, आंसर इज सी ऑप्शन, राइट. 90
वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल जीरो. अब यहां पर दो तरीके हो सकते हैं, बच्चा ये भी कर सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर. अब आप प्लस टू करो माइनस टू करो तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर. यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा वाई प्लस वन अपॉन वाई का होल स्क्वायर. इसका मतलब x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर y प्लस वन अपॉन वाई का होल स्क्वायर, राइट. अब यहां से x की वैल्यू अगर मैं वन रखता हूं तो ये इक्वल आएगा, x की वैल्यू टू रखो y की वैल्यू वन रखो ये इक्वल आएगा, y की वैल्यू टू रखो तो भी इक्वल आएगा. मतलब x टू y टू तो इक्वल है, मतलब x और y की वैल्यू अगर इक्वल हो जाए x बराबर y तो ये हमारा आंसर इक्वल आएगा. इसका मतलब x और y के कई आंसर पॉसिबल है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है. मतलब डेटा इनएडिक्वेट है, डेटा पूरा नहीं दिया हुआ कि भाई एक्स की वैल्यू किससे कम है, क्योंकि एक्स और वाई की कई वैल्यूज को सेटिस्फाई करे तो आंसर इसका होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड. और वैसे भी देखो कैन नॉट बी डिटरमाइंड ज्यादा अच्छा आंसर नहीं होगा, इसको हम कहेंगे डेटा इनसफिशियंट. डेटा इनसफिशियंट है, डिटरमाइन तो हो रहा है लेकिन बहुत सारी वैल्यू डिटरमाइन हो रही है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर थ्री इयर्स एट 8% पर एनम इज हाफ द कंपाउंड ऑन रुपीज 4000 फॉर टू ईयर एट 10% पर एनम द सम प्लेस ऑन सिंपल इंटरेस्ट. देखो यार प्रिंसिपल मान लेते हैं पी है, तीन साल का इंटरेस्ट 8% इज हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, मतलब हमारे पास जो भी सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट का हाफ होगा. तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं. अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट देखो हम क्या करेंगे, 10% का जो इफेक्टिव रेट होगा वो होगा 10 + 10 + 10 × 10/100 और ये 21, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा प्रिंसिपल 4000 इंटू इफेक्टिव 21/100 और बाई 1/2 क्योंकि हमें हाफ करना है. ये कट गया तो ये हो गया प्रिंसिपल इज इक्वल 20 × 21 × 100/3 × 8 तो 3 7 जा और ये 8 से, अब देखो ये 4 से 5 टाइम 4 से 2 टाइम और ये 50 सो 1750 आंसर इज बी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. द बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज एन कैलकुलेटेड ट्राइंगल ऑफ एरिया 173 एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज 10380 द एरिया ऑफ द लेटरल सर्फेस ऑफ द प्रिज्म. देखो यार अगर हम बात करते हैं प्रिज्म की, ये आपको इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 10380 और द बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज इक्वल ट्राइंगल ऑफ एरिया 173 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वॉल्यूम. अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर ये साइड ए है ठीक है तो एरिया हो गया √3/4 a² इज इक्वल 170. पहले हम साइड निकालते हैं यहां से ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल 173 इंटू 4 अपॉन और इसकी वैल्यू 1.73 है, डेसिमल हटाओ ये हो जाएगा 400. तो ए हो गया 20. नाउ साइड आ गई आपके पास 20. अच्छा दूसरा स्टेप, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम होता है, अच्छा ये प्रिज्म है, पिरामिड नहीं है, प्रिज्म है, ये डायग्राम थोड़ा चेंज कर देते हैं, दिस इज प्रिज्म राइट. तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, तो ये हाइट हो जाएगी आपके पास. अच्छा अब हमें इसका वॉल्यूम भी दे दी नहीं, इसमें हमारे पास साइड आ गई और ये हाइट आ गई, तो लेटरल सरफेस एरिया ये होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट. तो पेरीमीटर ऑफ बेस, साइड आई 20 तो पेरीमीटर हो गया 60 इंटू हाइट कितनी है. अच्छा हाइट हमें निकालनी पड़ेगी, वॉल्यूम जरूरत पड़ेगी 10380. तो एरिया है आपका 173 इंटू एच, तो एच कितना हो जाएगा 10380 अपॉन 173, डिवाइड करो उसको क्या वैल्यू आएगी 10380 डिवाइडेड बाय 173, ये वैल्यू आएगी 60. तो अब आपकी हाइट हो गई पेरीमीटर बेस 60 और हाइट 60, तो कितना हो जाएगा आंसर 3600, सी ऑप्शन. ओके सो आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The volume of two cones are in the ratio 1:10 and the radii of the cones are in the ratio 1:2. What is the ratio between their height? Now volume of two cones is in the ratio 1:10 and हम जानते हैं volume क्या है, 1/3 pi r1 square into h1 upon 1/3 pi r2 square into h2 = 1/10. तो 1/3 pi तो कट गया. अच्छा r1 upon r2 ये हो गया 1:2 का square into h1 upon h2. हमें h1 upon h2 निकालना है, तो ये जाएगा एच वन अपॉन एच टू बराबर 4/10 और 2/5. आंसर इज ए ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल
रूट थ्री प्लस रूट टू टू द पावर माइनस थ्री एंड बी इज इक्वल रूट थ्री माइनस रूट टू टू द पावर माइनस थ्री। तो यहां से ए हो गया वन अपॉन रूट थ्री प्लस रूट टू टू द पावर थ्री और बी कितना हो गया वन अपॉन रूट थ्री माइनस रूट टू टू द पावर थ्री। अच्छा अब एक और चीज देखो, आप ए बी का प्रोडक्ट करते हो तो ये हो जाएगा देखो रूट थ्री प्लस रूट टू, रूट थ्री माइनस रूट टू का प्रोडक्ट वन आएगा तो ये वन हो जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब हमको पूछा है वन अपॉन ए प्लस वन प्लस वन अपॉन बी प्लस वन, इसकी वैल्यू पूछे तो आप पहले एलसीएम ले लो, ए प्लस वन इंटू बी प्लस वन, ये हो गया ए प्लस वन प्लस बी प्लस वन, ये हो गया ए प्लस बी प्लस टू अपॉन, और ये क्या हो गया ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस वन, और ए बी की वैल्यू क्या है वन है, क्योंकि देखो इनका प्रोडक्ट जो मैं करूंगा भाई रूट थ्री प्लस रूट टू इंटू रूट थ्री माइनस रूट टू करेंगे तो वन हो जाएगा, वन की पावर कुछ भी हो तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस टू अपॉन ए प्लस बी, और ए बी वन है तो ये प्लस टू हो गया, तो ये पूरा प्रोडक्ट आंसर हो गया वन। तो पूरा करने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 5%, इफ ही हैड बॉट इट एट 5% लेस एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज वन लेस ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10% द सीपी ऑफ द आर्टिकल। अच्छा इसके कई तरीके हो सकते हैं, सीपी पहली बार की और उसके बाद प्रॉफिट हुआ सेलिंग प्राइस आई, एक्स प्रॉफिट रहा हो एक्स सीपी रही होती 5% गेन होता, 5% गेन होता तो 1.05x हो जाता। अब उसने बोला कि 5% लेस मिलाया मतलब 0.95x मिलाया, और अगर एक रुपए कम में बेचता तो उसको क्या होता 10% प्रॉफिट होता, मतलब 0.95 इंटू 1.1 इज इक्वल 1.05x माइनस 1। अब आप उसको सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन इससे क्वेश्चन आपका लेंदी हो सकता है। आप देखो हम एक तरीका लेते हैं, मान लेते हैं ऑप्शन हमारा 200 है, मान लिया हमें पता नहीं कि आंसर क्या हो सकता है, मान लेते हैं हमारा आंसर 200 या 100, पहले आसान से स्टार्ट करते हैं 100 या 200, 200 मान लेते हैं, तो 200 की 5% 210 ये होगी सेलिंग प्राइस। अब हमने बोला इसको हमने 5% कम पर लाए तो 190 पे लाए, और इसको हमने 209 पे बेचा, अब इसका 10% कितना होगा 19 रुपए जोड़ लो इसमें तो 209 हो गया सर, आंसर इज सी ऑप्शन। मतलब ऐसे भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट ऑप्शन से स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 14 सेंटीमीटर, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सेमी सर्किल हुज रेडियस इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर से चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है, उस अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसका त्रिज्या वर्ग की भुजा के बराबर है। देखो पहली बात तो एक स्क्वायर से हमको एक आयत से पैरामीटर इक्वल करना है, ये 16 है ये 14 है, तो इसका पैरामीटर अगर साइड ए है तो 4a बराबर 2 इंटू 16 प्लस 14, ये 2 से 2 टाइम कटा तो 2a बराबर 30, a कितना हो गया 15। अब आगे बोला है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्किल हुज रेडियस इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब रेडियस उसकी हो गई 15, अब मैंने पूछा क्या है सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस हो गया 2r प्लस पाई r, नाउ 30 प्लस, अच्छा अब हमें पाई का मान रखना पड़ेगा 3.14 इंटू 15, तो 30 प्लस 0 तो ये जाएगा 77.1 ए ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इज इक्वल जीरो दिया हुआ है, आपसे पूछा ए फाइव प्लस ए फोर प्लस वन की वैल्यू। देखो जब भी ऐसा हो यहां पर ये वैल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप ए माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस वन बराबर जीरो, ए क्यूब की वैल्यू आ गई वन। अब यहां पर आप क्या करो ए क्यूब कॉमन ले लो, बचेगा ए स्क्वायर प्लस वन प्लस ए और प्लस वन, अच्छा ए क्यूब कितना है वन और ए स्क्वायर प्लस ए कितना है, अगर मैं यहां पर ए स्क्वायर ए प्लस ए लिखता हूं ये हो गया माइनस वन प्लस वन, तो ये हो गया माइनस वन प्लस वन, आंसर जीरो। अच्छा क्वेश्चन था, आंसर इज सी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 98, द कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर इज 26 ईयर ओल्ड, तो कैप्टन की एज है 26 और बोला है एंड द विकेट कीपर इज 3 ईयर ओल्डर, इफ द एजेस ऑफ दीज टू आर एक्सक्लूडेड द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग प्लेयर्स इज 1 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ द होल टीम, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द टीम। एक 11 सदस्य क्रिकेट टीम के कप्तान की उम्र 26 वर्ष है तथा विकेट कीपर उससे 33 वर्ष बड़ा है, यदि इन दोनों की उम्र हटा दी जाए तो शेष टीम की औसत उम्र पूरी टीम की औसत उम्र से 1 वर्ष कम है, पूरी टीम की औसत उम्र क्या। देखो यार कैप्टन की 26 तो विकेट कीपर की कितनी हो जाएगी 29, इन दोनों का एवरेज कितना होगा 26 और 29 कितना हो जाएगा 55, एवरेज निकालो 27.5, तो देखो दो लोगों का एवरेज 27.5 और 9 लोगों का एवरेज नहीं पता, लेकिन ये आपको बोला है कि 9 लोगों का एवरेज टोटल एवरेज से एक साल कम हो गया, मान लेते हैं टोटल एवरेज ए है तो ये एक साल कम है। अब देखो
रूल क्या होता है, कितना कम है, ये एक कम है, कितनी वैल्यू, नौ, ये अगर ये कम है तो ज्यादा होगा, तो ये कितना ज्यादा है, 27.5 माइनस ए इंटू टू, राइट, तो ये जाएगा 55 माइनस 2a इज इक्वल 9, इस 9 को उधर ले आओ, 46 इज इक्वल 2a, तो a कितना हो गया 23, तो एवरेज एज ऑफ कंबाइंड ग्रुप इज 23, ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बुलेट फ्रॉम द सेम प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 12 मिनट, बट राजू सिटिंग इन अ ट्रेन अप्रोचिंग द प्लेस ऑफ फायर, ही इज द सेकंड रिपोर्ट 11 मिनट 30 सेकंड आफ्टर द फर्स्ट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इफ साउंड ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड. विनय एक स्थान से दो गोलियां 12 मिनट के अंतराल पर दागता है, परंतु राजू जो ट्रेन में बैठा है जो विजय की ओर आ रही दूसरी गोली के बाद 11 मिनट 30 सेकंड के बाद सुनता है. देखो यार, 12 मिनट पर फायर हुआ, लेकिन जो फायर का जो साउंड सुनाई दिया वो 11 मिनट 30 सेकंड बाद सुनाई दिया. इसका मतलब यहां पर डिफरेंस कितना एक्चुअल और हियरिंग टाइम में 30 सेकंड. तो जो ये डिफरेंस होता है ये तो टाइम होता है साउंड का, और जो सुनाई देता है वो होता है टाइम ऑफ पर्सन. तो यहां पर रूल होता है स्पीड ऑफ साउंड इंटू टाइम ऑफ साउंड इज इक्वल स्पीड ऑफ पर्सन इंटू टाइम ऑफ पर्सन. ये मैंने कई जगह मेरे यूट्यूब चैनल में मैंने डिस्कस किया हुआ, वहां देख लेना, क्योंकि डिस्कशन में इतना टाइम नहीं दे सकते क्योंकि 5-6 मिनट लगेगा पूरा समझाने में, आप वहां समझ के समझ लेना इसको. 330 इज इक्वल स्पीड ऑफ पर्सन अब टाइम ऑफ पर्सन, मैं इसको पूरे कन्वर्ट करूंगा किसमें, सेकंड में. 11 मिनट का हो गया 660 प्लस 30 तो 690 हो गया. तो स्पीड ऑफ पर्सन इज इक्वल 330 इंटू 30 अपॉन 690, तो जीरो कैंसिल कर दो, ये हो गया 23. तो 23 से जाएगा ये वन टाइम, फिर 14 पॉइंट समथिंग, तो आंसर क्या हो गया हमारा, ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 3 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा, देन टेन थीटा विल बी. देखो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है. अब यहां पर अगर टेन थीटा 1 होता तो थीटा 45, देखते हैं कि अच्छा इक्वल नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये इक्वल होता कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल होता कॉस थीटा के तो 45 एंगल होता, तो ये तो नहीं हो सकता. अब हमारे पास, अब इसको कैसे करें, इसको कॉस से डिवाइड कर दो, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल 3, एक कॉस कट जाएगा, ये बचेगा 10 थीटा. अच्छा sec होता है क्या, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, अब यहां से सीधे 10 आ जाएगा हमारा, क्वाड्रेटिक बनेगी, ठीक है, 2 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल 3 10 थीटा, दिस इज 2 10 स्क्वायर थीटा माइनस 3 10 थीटा प्लस 1 इज इक्वल 0. नाउ 2 और 1 के फैक्टर जिनका सम 3 आए, तो 2 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 10 थीटा माइनस 10 थीटा प्लस 1 इज इक्वल 0, यहां से 2 10 थीटा कॉमन अंदर बचेगा 10 थीटा माइनस 1, और यहां से माइनस 10 थीटा 10 थीटा माइनस 1 इज इक्वल 0, तो यहां से 10 थीटा की वैल्यू होगी 1, और एक 10 थीटा की वैल्यू होगी 1/2. हम ये नहीं लेंगे क्योंकि इस केस में साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल आ रहे हैं, हमारा आंसर क्या होगा 1/2, सी आंसर. ओके,